Are we on? इसके लिए हमें एक वो ग्राफिक भी डिज़ाइन करना है मोस्ट लाइकली। ब्राइटनेस का बस बता दें लाइक इफ योर लाइट्स आर क्लियर तो फिर हम शुरू कर लेंगे आई कॉन्ट सी इट राइट नाउ आई वी लाइव Okay. Hello, guys. If you are all there, Assalamu Alaikum. Uh, just give us two minutes so we can figure out all the uh, technicalities and then inshallah we will start with the lecture. Okay, I see it. I think it is fine. अल्लाम आप लोग प्लीज़ अपने कॉमेंट्स आज हम लोग मॉडर्न एजुकेशन तालीम और तरबियत पर बात करने जा रहे हैं तो प्लीज़ देना शुरू कीजिए हम साथ, साथ इसको बस एक दफ़ा फिगर आउट कर लें दॉट इनअ ब्राइटनेस नो मान एस टैलेंगे कुड यू टर्न दिस ऑन प्लीज थैंक बिकॉज बहुत लाइट हुआ like, dark हुआ है लाइक डार्क हुआ हुआ है Mansa, please tell us now if you're good to go because uh, these are the only couple of things that we are uh, trying to figure. I think this should do the trick. It's still dark. Okay.

for one more minute inshallah आई एम जस्ट ट्राइंग टू टेक दिस टाइम राइट नाउ सो दैट आई कु रीड यूर कॉमेंट्स from the very get go and not struggle with this later on. बिल्कुल ठीक है जी बिसमान रहीम अलहमदिल्ला रबालमीन वसलात वसलाम सईदिया ईबलमरसलीन अम्माबाद रबिशली सदरी वयसरली अमरी वखलम लसानी यफ़ाहू कौली खातिनों अब तक हमने जितना भी इकबाल में का ज़रब कलीम का कोर्स पढ़ लिया उसको पढ़ के और उसके अलावा की वैसे बाकी शायरी से वाकफ़ होने की बुनियाद पर यह कहना बेजा न होगा किबाल के नज़दीक ज़िंदगी गुजारने के दो तरीक़े हैं एक सही और एक आसान और वो हमें हर मोड़ पर हर तरह से शायरी में भी और प्रोज में भी वो ये दोनों रस्ते दिखाते हैं कि जो सही रस्ते जो आसान रस्ते पर चलते हैं उनके साथ क्या होता है और जो सही रस्ते पर चलते हैं उनके साथ क्या होता है यू अंडरस्टैंड किस तरह से एक सहल पसंदी की जिंदगी आसानी की जिंदगी ईजी चॉइस करके कंफर्ट जोन में रहने की जिंदगी शायद ना हमें हमारी खुदी से मिलवा पाए ना हमारे अंदर जज्बा इश्क बेदार कर पाए और ना ही हमारे माशरे के लिए कोई औरिजिनल थाट या फिर कोई बेहतर काम करने का मौजब बने जबकि सही रास्ता मुश्किल होगा सही रस्ते की मुश्किलात जो हैं वो आसान रस्ते से हजार गुना ज्यादा होंगी लेकिन सही रास्ते का नशा सही रास्ते पर चलने का मजा आसान रास्ते से कहीं ज्यादा होगा उसमें फिर ये मैटर नहीं करेगा कि अल्टीमेटली किस मोड़ पर जाकर हमें वो कामयाबी नसीब होती है जो जिसका लामा हमें ख्वाब दिखा रहे हैं बल्कि वो जो रास्ता है वो इन इट्स सेल्फ इतना मजेदार बन जाएगा कि हम हर हर्डल को पार करके अपने आप को बेहतर इंसान महसूस करते जाएंगे ये दीनी मामलात में भी और दुनियावी मामलात में भी कि किस तरह हमारे अंदर जो एक फोर्स अल्लाह ताला ने इश्क की रखती है जिसको हमने अपनी खुदी से पहचानना है वो कैसे पनपती है सवरती है निखरती है जब हम मुश्किल रस्ते का इंतखाब करते हैं और ये कैसे मरती जाती है मुरझाती जाती है और आखिरकार जो है वो हमसे अलग हो जाती है अगर हम आसानी की जिंदगी को चूज करते हैं आज हमने जिस चीज को देखना है वो अलामा इकबाल का इन इस रस्ते पर चलने के लिए यानी मुश्किल रस्ते पर सही रस्ते पर चलने के लिए कौन सा इल्म दरकार है यानी क्या इल्म आपके पास हो तो आप सही रस्ते पर चल सकते हैं और उसके साथ साथ कैसी तरबियत हो आपकी यानी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग दो पार्ट्स हैं हमारी आज की गुफ्तु के ये दोनों ने मिलकर जब तक के एक इंसान को निखारना नहीं है तब तक हमारे लिए मुमकिन नहीं हो पाएगा कि हम एक बेहतर जिंदगी गुजारने का बेहतर जिंदगी गुजारने का हम फर्ज निभा सकें जो अल्लाह ताला से हम एक अमानत लेकर यहां पर आए हुए हैं उसके लिए हमें एजुकेशन एंड ट्रेनिंग बता रहे हैं एक आखिरी बात इसी जिम में इससे पहले कि हम अपनी आज की शायरी पढ़ना शुरू करें कि इसके ऊपर जो है वो ना सिर्फ ये कि हमें सही रास्ता वो दिखाते हैं जिसके ऊपर हमने चलना है यानी पहले इल्म हासिल करना है और फिर सही रास्ता जिस पर चलना है बल्कि साथ साथ जो दौरे हाजिर का एजुकेशन सिस्टम है मॉडर्न डे एंड एज की एजुकेशन सिस्टम है हायर एजुकेशन भी और प्राइमरी एजुकेशन भी मिडिल एजुकेशन यानी लोअर लेवल एजुकेशन भी ये तमाम ये क्या किस किस्म के इंसान पैदा कर रही है इस चक्की के अंदर से अगर इंसान गुजरता है तो फिर वो क्या बनकर निकलता है और इसको इसको हमने ओवरकम कैसे करना है हमने दोबारा अपनी खुदी के करीब कैसे पहुंचना है ये हैं आज के मेन टॉपिक्स जिन जो हमारी गुफ्तगु का अहाता करेंगे तो अब शुरू करते हैं हमने जो है वो तालीम और तरबियत में सबसे पहले आज असरार पैदा पढ़नी है उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद नाचीज जहाने महोपरवी तेरे आगे वो आलम मजबूर है तू आलम आजाद मौजों की तपिश क्या है फकत ज़ो के तलब है पिन हां जो सदफ में है वो दौलत है खुदादाद और शाही कभी परवाज़ से थक कर नहीं गिरता पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा है उफ्ताद उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती शमशीर कहते हैं तलवार को और हाजत कहते हैं ज़रूरत को उस नेशन को उन लोगों को उस ग्रुप ऑफ पीपल को पावर की यानी फिजिकल पावर की यानी आपके पास जो है वो एक्चुअल मटेरियल ऑब्जेक्ट्स होना जिनकी बेसिस पे आप पावर आ, का एग्जर्शन करते हैं उनकी ज़रूरत अब आपको नहीं रहती कौन वो लोग हैं जिनको जरूरत नहीं रहती वो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद फौलाद है लोहा वो बड़ा मजबूत लोहा जो पिघला के और ज्यादा मजबूत कर दिया जाता है कि जिनकी खुद ही इतनी जो है वो मजबूत होगी जिसकी जिनकी खुदी में इतनी ताकत होगी यानी जो लो लोग हम खुदी को भी रिपीट करते जाएंगे इन साथ साथ कि खुदी भी खुदी की डिवेलपमेंट क्या है कि एक इंसान स्ट्रॉन्ग भी है स्मार्ट भी है और सेंसिटिव भी है आप इस बात को समझ रहे हैं कि उसका दिमाग भी तेज है उसकी उसका जिसम भी मजबूत है और उसका दिल, दिल भी नर्म है यह तीनों क्वालिटी बढ़ानी है इन तीनों को हमने मैक्सिमाइज करना है इन तीनों को मैक्सिमाइज करेंगे तो खुद ही आपकी निखरती जाएगी खुद ही निखरती शुरू निखरना शुरू हुई तो हम हमारा दिल चाहेगा कि हमारे साथ वालों की खुद ही भी इसी तरह से बेहतर होती जाए क्योंकि आप कभी भी एक्सपेक्ट ना कीजिएगा कि अचानक से पूरी की पूरी जो आपकी नेशन है या तमाम लोग जो हैं वो अचानक एक ही पैगाम पर चलना शुरू हो जाएंगे क्योंकि मुख्तलिफ लोग एक पैगाम का मुख्तलिफ तरीके से असर लेते हैं और ये ज़रूरी भी नहीं है कि हर शख्स जो है वो एक ही तरीके से पैगाम फॉलो करे क्योंकि खूबसूरती ही असल जो है इस्लाम की खूबसूरती भी और इकबाल की आ, कलाम की खूबसूरती भी जो है वो इस बात पर मुनसर है कि वो इंडिविजुअल फ्रीडम को और यानी इंसानियत को वो मुकदम समझते हैं सबसे ज्यादा अफजल तरीन शाय समझते हैं कि जितना ज्यादा एक इंसान खुद मुख्तार होगा अपने डिसीजन खुद कर सकेगा उतना ज्यादा वो बेहतर तरीके से अपने माशरे को सर्व कर सकेगा तो ये आप अगर खुद ही मजबूत करते जाए तो ये फिजिकल पावर इज इज देन सेकेंडरी थिंग इट इज नॉट ए नेसेसरी रिक्वायरमेंट ना चीज जहाने परवी ना चीज के कुछ भी नहीं है ये इनकी कोई हैसियत नहीं है ना चीज है ये लाइक इन दे डोंट होल्ड एनी वैल्यू क्या जहान महो परवीन माह कहते हैं चांद को और परवीन कहते हैं सितारों को कि ये जो चांद सितारों का आसमान और ये दुनिया ये कायनात है पूरी की पूरी जो आपके लिए बनाई गई थी ये कुछ भी नहीं है आपके आगे इट इसकी कोई वैल्यू ही नहीं है अगर आप अपनी वैल्यू समझ जाए कि आपको जिस खुदा तला ने अपने अक्स के अंदर क्रिएट किया है अगर आप अपनी वैल्यू समझ जाए तो क्या होगा वो आलम मजबूर है तू आलम आजाद आलम मजबूर से मुराद ये है आलम आलम कहते कहते हैं हैं दुनिया को को या वर्ल्ड को, आलम और मजबूर किसी भी चीज कोई चीज ना करने की आपके पास कुछ करने की ताकत ना हो तो वो आलम मजबूर कैसे है कि दैट वो जो चांद सितारों की दुनिया दैट इज बाउंड बाय द लॉज ऑफ नेचर वो जो उसके लिए कायदे मखसूस कर दिए गए हैं वो अजल से उसी तरह चलते आ रहे हैं और अब तक उसी तरह चलते जाएंगे उसके अंदर जो है वो तगर की कोई जगह मौजूद नहीं है वो जो एक अपने सिस्टम पर चल रहे हैं उसी को उसी में आगे बढ़ते जाएंगे उससे हटकर कोई काम नहीं करेंगे चांद जो है वो जिस तरह घूमता है उसी तरह घूमेगा सूरज जहां है उसी जगह घूमता रहेगा ये हमारी खला उसी तरह रहेगी ये मजबूर है तू आलम आजाद के आप जो है वो अपने खुद फैसले कर सकते हैं आपको अगर यह समझ आ जाए कि आपके अंदर क्या ताकत रखी गई है तो आप तो इनसे भी बढ़कर हैं क्योंकि ये तो अपने कोई फैसले कर नहीं सकते आपके हाथ में अल्लाह ताला लौह कलम दे रहे हैं आपके हाथ में अल्लाह ताला जो है वो आ, आ, पूरी दुनिया की तकदीर लिखने के लिए आपको जो है वो तदबीर करने का कह रहे हैं जब आपके पास अल्लाह ये तमाम क्वालिटीज देते जा रहे हैं तो फिर ये पूरी कायनात और इसका पूरा जोर एक तरफ भी हो जाए आप अगर उस जगह पक्के हैं तो कोई मसला जो है वो सामने नहीं आएगा मौजों की तपिश क्या है फकत के तलब है मौज जो एक दरिया में या समंदर में पानी की लहर होती है उसको मौज कहते हैं और तपिश गर्मी को कहते हैं मौजों की तपिश क्या है यानी वो जो मौज बार बार आके साहिल को टकरा रही है एक से बढ़कर एक आती है फिर उस पर दो और चढ़ती है फिर वो और बड़ी होकर आके लगती हैं और ज्यादा जो है वो जोर के आगे लगती है मौजों की तपिश क्या है यानी ये इनका जोर इनके अंदर क्या है फकत जौक तलब है जौक तलब जो है ना ये देखिए ये वही वो, वो जौक और वही शौक वो काफिला काफिला शौक वो काफिला इश्क वही वही यहां पर जो है वो वह तलब है कि तमन्ना है उसके अंदर कुछ कर गुजरने की उस मौज के अंदर इस चीज की ख्वाहिश है कि मैं अपने से बढ़कर कुछ ऐसा कर जाऊं कि बाकी सारी जगह पे याद रखा जा सकूं या याद रखी जा सकूं उस मौज के जो है ये उसकी थॉट है और यही हमें जो है वो मौजों को देखकर पैगाम जो मिल रहा है वो यही है कि उनके अंदर ऐसा जज्बा है तलब का कि वो चाहे पहली दफा आकर छोटे तरीके से भी लगेगी साहिल पर तो वहां रुक नहीं जाएंगी सारी की सारी आपकी मौजें वो फिर आएंगी वो फिर और बढ़कर आएंगी वो फिर और जोर से आएंगी और वो तब तक आती रहेंगी जब तक वो वहां से मट्टी को वहां जो पत्थर लगे होंगे उनको भी काट काट के थोड़ा पीछे नहीं करता जाएंगी आप हैं इस बात को कि किस तरह उन्होंने मुसलसल अपनी मेहनत जो है वो करते रहनी है करते रहनी है जब तक कि वो पत्थर कट नहीं जाते जब तक कि वो खुद आगे आ नहीं जाते पिनहा जो सदफ में है पिनहा कहते हैं छुपे हुए को और सदफ कहते हैं आ, सीपी को सदफ जो सीपी आपकी आ, एक समंदर के बिल्कुल तह के अंदर सीपी होती है उसके अंदर एक छुपा हुआ गौहर होता है छुपा हुआ एक मोती होता है एक छुपा हुआ यह खजाना होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से सीपी के अंदर रख दिया गया है तो वो दैट इज देंशियल रियालिटी कि समंदर की ये जो सारी कोशिशें सारी चीजें हैं वो असल में वो जो सी पी के अंदर सदफ के वो जो गौहर मौजूद है वो दाम हर मौज में है गालिब जिस तरह कहते हैं ना कि दाम हर मौज में है हल्का इस सदगा में नहंग देखें क्या गुजरे है कतरे पे गोहर होने तक आ कुछ आइए सर होने तक कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक कि ये सारी मगरमच्छ की तरह लहरें हैं जो आती जा रही हैं हर कोई चाहता है कि मैं ये जो सीपी आ रही है ये सदा आ रहा है इसको खा जाऊं लेकिन अब देखते हैं कि वो जो गोहर उसने बनना है वो सीपी के अंदर पानी के कतरे ने पहुंचने है। और उसको उस कतरे ने जो है वो फिर मोती बन जाने इसकी क्या स्ट्रगल है ये बेपड़ी देखने वाली चीज़ है बड़ी खूबसूरत चीज़ है एक यानी लाइफ टाइम लग जाती है इसके अंदर के वो कतरे ने जाकर वहां पर सदफ़ बनना है वह दौलत है खुदादात बिना हाँ जो सदफ में है वो दौलत है खुदादात के वो अल्लाह की तरफ से दी हुई वही तो असल जौहर है वो गौहर ही तो असल जौहर है।, तो है उसी के अंदर ही तो सारी की सारी आपकी खूबसूरती छुपी हुई है वही तो आपका वो प्राइज है जो आपने अल्लाह ताला के सामने पेश करना है कि अल्लाह मियाँ देखिए हमने जब काम किया तो ये हमने कोशिश की है जिंदगी में उससे यह गौहर हासिल हुआ यह गौहर हम आपके सामने पेश करते हैं यह हमारी कुल जिंदगी का मकसूद है कि वो गौहर अगर हमारा कयामत के रोज़ कबूल हो जाता है तो हमारी जो है वो सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाता है कि हमने एक मकसद के लिए जिंदगी गुजारी वो मकसद पा लिया या उस मकसद में शहीद हो गए शहीद की अब आप जैसे मर्जी मान ही लें लेकिन शहीद हो गए उसको उस एक मकसद को उस मिशन को अचीव करते हुए ये है असल हमारे करने का काम शाही कभी परवाज से थककर नहीं गिरता परवाज उड़ने को कहते हैं शाही आपका शहबाज है उकाब है शाहीन है यानी आपकी ईगल है आपका फैलकन है जो कभी परवाज से थक कर नहीं गिरता ये जितना यानी किलोमीटर्स के हिसाब से उड़ता रहता है आप लोगों ने पिछले दिनों वो सोशल मीडिया पर मैप्स भी शेयर होते रहे कि किस तरह से आधी दुनिया का चक्कर काटा हुआ है एक ईगल ने जो चाइना से उड़ा था और कोशिश करते हैं ये कि वो दरिया के ऊपर से समंदर के ऊपर से वो सफर ना करें लेकिन बाकी आ, क्या कहते हैं सहराओं के ऊपर से खुश्की के ऊपर से वो उड़ते जाते हैं उड़ते जाते हैं थक कर नहीं गिरते इतना स्टैमिना उनके अंदर बिल्ट इन होता है पुरदम है अगर तू तो नहीं खतरा ये उफ्ताद पुरदम दम कहते हैं सांस को दम 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 या दम बदम जो है वो या हम दम जिसे कहा जाता है कि दो सांसें मिल जाएं जिसकी वो दो लोग हम दम हो जाते हैं आ, तो ये दम सांस को कहते हैं और पुरदम है अगर तू यानी अगर तुम्हारे अंदर ये हिम्मत है तुम्हारे अंदर इस चीज का जज्बा है तो तो नहीं खतरा उफ्ताद उफ्ताद कहते हैं एक मुश्किल को यानी एक एक्सीडेंट को कि आपको फिर डर नहीं रहता इस चीज का कि फिर मेरे साथ होगा होगा क्या तुम्हारे अपने अंदर अगर जोर है तुम्हारे अपने अंदर अगर जो है वो ताकत है तो तुम तो कर गुजरोगे तुम तो निकल पड़ोगे तुमने कहा कि अब तो जाना ही है तो अब तो पहुंच के रहेंगे अब ये थोड़ी देखेंगे कि जनाब फ्यूल कितना है क्योंकि फ्यूल तो अपने अंदर से पैदा करना है ना बेखतर कूद पड़ा आतिशन अमरूद महेश अकल है मेवे तमाशाए लबे बाम अभी तो ये ये अब हमारी पहली नज्म थी कि किस तरह ये वो क्वालिटीज हैं खुद की और आ, अगली पढ़ने से पहले हम में से जितने भी लोग प्रिवलिज हैं जो इस आ, पेंडेमिक के टाइम को कोरोना वायरस के टाइम को अपने घरों पर या अपने प्यारों के साथ चाहने वालों के साथ आराम से गुजार रहे हैं और कल से इन शाह कल शाम से रमज़ान भी शुरू होने जा रहा है आई थिंक हमारे लिए पर्टिकुलरली जो लोग खास तौर पर मतलब ये प्रोग्राम देखते हैं समझते हैं अमामा की बाकी शायरी पढ़ते हैं उनके ऊपर तो अब यह लाजमल हो जाता है कि आपके लिए ख़ास तौर पे इस तरह का टाइम क्रिएट कर दिया गया है कि वो जो भी जौहर आपके अंदर छुपा हुआ है आप उसको निखारें और रमज़ान से बेहतर वक्त क्या हो सकता है अपने अंदर छुपे हुए जौहर को निखारने का कि आपको वो जौहर निखारने का अल्लाह सवाब भी दे रहे हैं अल्लाह अल्लाहिया खुश हो रहे हैं कि आप अपने ऊपर काम कर रहे हो और और नॉर्मल जितना खुश होते हैं उससे कई गुना ज्यादा खुश हो रहे हैं तो ये हमारे ऊपर यानी अपनी खुद ही को बेदार करना उस तक पहुंचना उसके लिए जितने यानी दरमियान में जो रुकावटें हायल है खास तौर पे इस पेंडेमिक के वक्त के अंदर वो रुकावटें और कम हो गई हैं हमारी डिस्ट्रैक्शन कम हो गई हैं अब हमारे पास बाहर की सोचने की चीजें नहीं हमारे से है हमारे स्कूल कॉलेज मदरसे बंद हैं हमारे बिजनेसिस चीज़ें बंद हैं उसका इकोनॉमिक वैल्यू और उसका नेशन के ऊपर बाकी सारा तस्वर उसको इन किसी और वक्त डिस्कस करेंगे लेकिन पर्सनल डेवलपमेंट के हवाले से ये दिस इज़ अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी और जो कोई भी इसको अफोर्ड कर सकता है वो ज़रूर एक जिस तरह अगर यहां पर बैठे लोग जो हैं वो घंटा दो घंटा निकाल सकते हैं बैठकर इस तरह से बात सुनने को तो घंटा दो घंटा इसी तरह अपने पास भी अपने साथ बैठकर भी निकाल सकते हैं और इंशाल्लाह हम इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के प्लेटफॉर्म से कुछ ऐसी चीजें भी मुहैया करेंगे कि आप खुद अपनी खुद ही को चार्ट कर सकेंगे और उसमें बेहतर आने वाली बेहतरीयों को देख सकेंगे कि मैंने कहाँ से मैंने शुरुआत की थी कहाँ तक मैं पहुंच गई हूं या कहाँ तक मैं पहुंच गया हूँ और वो हमारे लिए भी एक रिमाइंडर बन जाएगा कि एक अल्लाह ताला की तरफ से करने वाला काम कामा इकबाल के काम में आगे करने वाला काम वो हमारे पास मौजूद है सुल्तान टीपू की वसीयत खूबसूरत नज्म है ये और खूबसूरत तरीन लामा की नजमों में से है और इस इसकी एक वजह खास तौर पर यह है कि सुल्तान टीपू हिमसेल्स टीपू सुल्तान के नाम से भी जो जाने जाते हैं आ, इंडिया में मैसूर की सल्तनत थी यानी मुगल सल्तनत ऊपर थी पर साउथ में एक मैसूर की सल्तनत थी जिनको इसके इनके वालद पहले हेड करते थे हैदर अली और उसके बाद टीपू सुल्तान हेड करते थे एटीनथ सेंचुरी में आई थिंक सेवनटीन हंड्रेड लेट सेवनटीन हंड्रेड्स तक इन्होंने रेन किया वहां पे 1799 में शहादत हुई इससे पहले अंग्रेजों से जंग लड़े एक अंग्रेजों को जंग हराई टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों को जंग हराई उस वक्त की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो कब्जा करने जा रही थी पूरे हिंदुस्तान के ऊपर और फिर अगली जंग जो है वो हार गए मीर सादिक जैसे जो गद्दार हैं जो हमारे यहाँ पाए जाते हैं मुसलमानों में किसी भी शक्ल में किसी भी एज में जो वो है वो मौजूद होते हैं वो उसकी वजह से हारे लेकिन करने की बात यह कि टीपू सुल्तान जो है ना जिस तरह कायदे बाद में अलामा का एक फेवरेट कैरेक्टर बने जिन्हें वो डेवलप करना चाहते थे तो टीपू सुल्तान भी ऐसा वो एक कैरेक्टर है जिससे अलामा जो है वो इंस्पायर होते हैं टीपू सुल्तान की जो क्वालिटीज़ हैं अंग्रेज के आगे न झुकने वाली लड़ जाने वाली शेर की एक दिन की जिंदगी गीदड़ की सौ साल जिंदगी से बेहतर है ये जो उसके औसाफ थे ये अलामा को उसकी तरफ खींचते हैं कि ये कोई खास बंदा है खास बात कर रहा है इसको देखना चाहिए इसकी बात को समझना चाहिए फिर अलामा ने जो है वो टीपू सुल्तान का मज़ार जो है इनकी आखिरी आराम का विज़िट भी की मैसूर में और वहाँ जाकर खास तौर पर जो है वो उनकी कब्र के साथ जो है वो खसूस तस्वीरें भी बनवाईं क्योंकि अकीदत इतनी थी वहाँ तक चले गए थे पहुँच गए थे तो वो चाहते थे कि इसकी जो है वो एक याद भी साथ रहे अब वो कर रहे लिख रहे हैं यहाँ पर सुल्तान टीपू की वसीयत वसीयत कहते हैं विल को यानी आप समझ लीजिए कि कोई शख्स जो है अगर मरने जा रहा है तो और इसकी बहुत सारे अभी हम अगले मतालब पर भी बात करते हैं तो वो मर मरने से पहले अपने बच्चों को या अपने जो उसके आने वाली आल औलाद है जितने भी लोग हैं उसमें स्पेसिफिकली अपने लोग और जनरली बाकी तमाम लोग उनके लिए कोई बात कर जाता है वसीयत कर जाता है विल छोड़ जाता है तो ये सुल्तान टीपू क्या वसीयत छोड़ के जा रहा है और ये बात याद रखिए कि ये सारा कलाम लिखा भी जब जा रहा है तो ये येमा के भी आखिरी दिन है यह आखिरी दो ढाई साल है उनकी जिंदगी के जिसमें वो गुजार रहे हैं उनका बुढ़ापा आ चुका हुआ है उनकी बीमारी बढ़ चुकी हुई है आ, उनके बच्चे जावेद और मुनीरा जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो रहे हैं जिनको वो ज़्यादा टाइम नहीं दे दे सकते और अभी आज इंशाल्लाह हम आखिरी नज़म जावेद से पढ़ेंगे जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और मैं कहूँगा कि अगर कोई शख्स दरमियान में हमारा सेशन जो है वो कहीं ड्रॉप भी करना चाहता है तो एटलीस्ट हमारे लास्ट थर्टी टू फोर्टी फाइव मिनट्स में ज़रूर आ जाए बिकॉज वो प्लान ऑफ एक्शन के वो खुद ही हमने पानी कैसे और उसको दुनिया में नाफिज कैसे करना है वो सारा का सारा यहां पर वो जाविद से के अंदर आराम से बिल्कुल सिंपल लाइन के अंदर अलामा ने दिया हुआ उसकी बात करेंगे खैर तो ये उन तमाम बच्चों के लिए वसीयत भी कर रहे हैं और अब हमें इसको पढ़कर समझ आएगा कि ये कैसे हमारे लिए भी कितनी खूबसूरत तरीन वसीयत है तू रह वर्द शौक है मंजिल न कर कबूल लैला भी हम नशी हो तो महमिल न कर कबूल ए जू आड़के हो दरिया तुम तेज साहिल तुझे अता हो तो साहिल न कर कबूल खोया न जा सनम कदाए कायनात में महफिल गुदाज गर्मी महफिल न कर कबूल और ये अब खूबसूरत शेर रखेगा कि सुबह अजल ये मुझसे कहा जिब्राइल ने जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल न कर कबूल और बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है शिरकत मयान हको बातिल बाद न कर कबूल शिरकत मयान ए हको बातिल न कर कबूल खूबसूरत तू रहनाद शौक है नवर्द कहते हैं एक मुसाफिर को चलने वाले को अब वही वाली बात पहले भी वो काफिला शौक की बात हो रही है जज्बे क्या कहते हैं उसकी जौके तलब की बात जो पहले आई थी उसी तरह ये अब रहनवर्द शौक है कि तू तू वो उस खास रस्ते का मुसाफिर है ये जो खूबसूरत रस्ता है ना जो मुश्किल तो है लेकिन असल रास्ता वही है तू उस रस्ते का मुसाफिर है असल ये समझने की चीज है और उसमें अगर आप इस रस्ते के अब अगर आप शौक के रस्ते के मुसाफिर हैं अगर आप जो है वो अपने दिल को और जलाना जलाने के कायल हो गए हैं अगर आप अपने ऊपर और मुश्किलात जो है वो आ, आ, अपने ऊपर डालने के कायल हो गए और उनसे बाहर निकल आने के कायल और काबिल हो गए हैं तो फिर मंजिल न कर कबूल फिर डेस्टिनी जो है ना वो आपकी क्या कहते हैं कोई एक जगह के मैं वहां पहुंच जाऊंगा फिर आपने आपके लिए मंजिल अब आपके लिए हराम हो गई है जो हमने पहले भी एक दफा पढ़ चुके हुए मंजिल का आपके लिए कोई वैल्यू नहीं रखती अब आप सफर में ही हो क्योंकि ये अल्लाह ताला का रास्ता ऐसा है मतलब वो इश्क का दस्तूर निराला देखा उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया कि अगर एक दफ़ा हम इस रस्ते पर पड़ गए हैं तो अब ये मुमकिन नहीं हो पाएगा कि हम इस रस्ते से पीछे हट जाएं या फिर कहीं जाकर कहीं कि हमने अब सब कुछ पा लिया वो जो तड़प है ना हमारे अंदर जो अल्लाह ताला ने रख दिया वो हमें थोड़ा और थोड़ा और अल्लाह ताला का अल्लाह ताला का जो जलवा है उस तक पहुंचने के लिए मजबूर करती रहेगी कि आप यहाँ तक आ गए तो थोड़ा और पहुँच जाएं अगर देखें मतलब अल्लाह के अलिया के साथ बैठ रहे हैं उठ रहे हैं तो शायद और बड़े अलिया के पास पहुँच जाएं सहाबा क़राम के साथ हो जाए फिर जो है वह क्यामत के रोज़ हजूर पाकलम के साथ उठाए जाएं यानी ये तमाम मराहल हैं जो आपने तय करने हैं अच्छा देखिए इसमें हम अभी आगे मदरसे की बात करेंगे और इम की तो उसमें हम बात भी कर लेंगे कि जिस तरह चूंकि थोड़ी सी ये फलसफियान बात है मैं फिर भी उसका जिक्र शुरू में ही कर देता हूं ताकि हमारे जेन में ये कॉन्टेक्स्ट डेवलप रहे देखिए इस्लाम में तहसील के तीन जराए हैं तीन जराए से हमें मजीद से ये बात समझ आती है इकबाल के मुताबिक भी कि तीन जराए से आ, इल्म हासिल किया जा सकता इलम का पहला जरिया जो है वह है आ, आपकी अकल आप अपने मफरूजों पर थियरेटिकली जो है वो ऐसी कोई चीज़ कायम करते हैं ऐसा इल्म कायम करते हैं फलसफे में ऐसा बड़े होते हैं कि आप जो है वो दुनिया की किसी रियलिटी तक पहुंच जाते हैं तो अक्ल आपका पहला मैार है उसके बाद दूसरा आपका मैार है मुशाहिदा एक्सपीरियशल नॉलेज जो आपको हवा से खमसा से देखने से करने से एक्चुअली एक्टिवली किसी चीज़ में लगे रहने से आपको हासिल होता है कि आपने किसी चीज में सारी जिंदगी सर्व कर दी तो अब आप कह सकते हैं यहाँ मैंने पच्चीस साल इसमें लगाए हैं मसलन डॉक्टर एक डॉक्टर जो है वो एक एक्सपीरियंशियल लर्नर है वो अपने केसेस करता जाता है उसे सीखता जाता है तो ये यानी साइंसदान जो है वो तजुर्बे से तजुर्बे से और आगे से आगे सीखते जाते हैं तो ये आपका दूसरी तरह का इल्म आ गया और तीसरा जो इल्म है तीसरा इल्म है इल्म वजदान इंटुएशन जो आपकी हार्ट से यानी जिसका मौजू जो है वो आपका कल्ब है और कल्ब की भी जिस तरह माइंड की ट्रेनिंग होती है जिस तरह तजुर्बे की ट्रेनिंग होती है इसी तरह कल्ब की भी ट्रेनिंग होती है कल्ब को भी ट्रेनिंग से गुजारना पड़ता है इसके ऊपर जबर करना पड़ता है इसकी ख्वाहिशात को मारना पड़ता है इसमें से अना को निकालना पड़ता है ये ये करने का काम होता है आरिफ, आरिफीन का यानी जो शख्स जो है वो अपने आ, अपनी आउटलुक में भी अपने जाहिर में भी और अपने बातिन में भी जो है जो शख्स अपना यानी दिल वो नरम गुदाज हो महफल गुदाज भी जिसकी आगे बात आ रही है अपने दिल को नरम करने वाला हो ठीक है वो अल्लाह तला के और इस तरह से करीब जाने वाला हो और इस तरह से अपने ऊपर जबर कर करके एक शेख के साथ आइडियली एक सच्चा शेख एक सच्चा आगे चलाने वाला एक सच्चा रहनुमा जिस तरह आपको जो है वो साइंस में भी और फलसफे में भी चाहिए होगा तो इधर भी एक चाहिए होगा ये वो तीसरा रस्ता है जिसके ऊपर चल करके हमने नॉलेज हम हासिल करते हैं यानी तीनों से तीन डिफरेंट तरीकों का नॉलेज हमें हासिल हो जाता है इन्हीं तीनों की डेवलपमेंट अब तीनों ऑन इट ऑन देयर ओन अधूरे हैं ठीक है ये बात भी समझ लें आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ साइंस पर दुनिया चलनी चाहिए आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि सिर्फ और सिर्फ जो है वो फलसफे पर दुनिया चलनी चाहिए या फिर ये कह सके कि फलसफा जो है वो किसी ऐब से पाक है और साइंस जो है वो किसी ऐब से पाक है उनमें भी उयूब आते हैं उसमें गलतियां हो जाती हैं कुछ सालों तक एक चीज को बिलीव किया जा रहा होता है कुछ अरसे के बाद उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है और इसी गलती का चांस जो है वो ये जो कल्ब का रास्ता है जो दिल का रास्ता है इसमें भी मौजूद है इसमें भी शयातीन है जो कि इंसान को बहका ले जाते हैं गलत आपको जो है वो ख्यालत आपको दिला देते हैं गलत शेख जो है वो आपको गलत पटड़ी पर चढ़ा देता है तो इधर भी धोखे का सामान मौजूद है लेकिन हम अगर तीनों को कंबाइन करेंगे अगर हम तीनों की ट्रेनिंग करेंगे और तीनों से इस्ता हासिल करेंगे तो तब जो है वो हमारी एक होलिस्टिक पिक्चर क्रिएट होगी इन्हीं तीनों की अगर आप डेवलपमेंट करेंगे तो आप स्ट्रांग स्मार्ट एंड सेंसिटिव बनेंगे यही का यानी मैंने ये अलामा की चूंकि ये प्रोज की बातें थी रिकन्स्ट्रक्शन की मैंने इसी के अंदर एड करनी ताकि हमें समझ आ जाए कि ये इल्म हमने हासिल भी करना है यानी ऐसा नहीं है कि इल्म से हमने दूर भागना है लेकिन वो इल्म को हमने ये नहीं समझना कि इसी के ऊपर आके जिंदगी खत्म है हमने उसको बाकियों के साथ जोड़ना है और उससे अपनी जिंदगी का रास्ता मुतिन करना है तू राना वर्द शौक है मंजिल नकर कबूल लैला लैला मजनू वाली लैला लैला भी हम नशी हो तो हम नशी होता है साथ किसी का बैठे होना आपके साथ किसी का होना लैला भी हम नशी हो तो महमिल ना कर कबूल महमिल कहते हैं एक ऊंट के ऊपर एक डब्बा लगा दिया जाता है जिसके अंदर खवतिन बैठ के सफर किया करती थी ठीक है तो लैला भी हम नशी हो तो, तो लैला यहां पर किस चीज की तरफ हमें इशारा दे रही है कि दुनिया की सारी खूबसूरती दुनिया की सारी खूबसूरती सारी अच्छाई सारी नेमतें सारी आसाइशें सारी आसानियां ठीक है सारी गाड़ियां सारे बैंक बैलेंसेस हर चीज अगर आपके हाथ में भी आकर आपको रख रख दिए जाए ना आपके साथ भी आकर मौजूद हो तो इस चीज को यह ना समझ लेना कि बस अब मेरी जिंदगी खत्म हो गई अब मैं इसी डब्बे में जिंदगी गुजारूंगा अब मैंने लैला के साथ अब मेरी लैला से शादी हो गई है तो अब मैं और लैला जिंदगी गुजारेंगे इसके अलावा कुछ नहीं होगा इसके अंदर ना पड़ जाना क्योंकि ये तो इससे तो तुमने आगे गुजरना है ये तो तुम्हें रस्ते के लिए जो है वो साथ साथ गुजारने के लिए जो है वो तुम्हारा रास्ता काटने के लिए तुम्हारे साथ है ये इसलिए साथ नहीं है कि तुम बस इधर ही बैठ जाओ और इनकी इन्हीं की पूजा शुरू कर दो ये खूबसूरत चीज़ें हैं खूबसूरत जिंदगी की आसाइशें हैं खूबसूरत लोग हैं इनसे मिलो जुलो इनसे बातें करो इनसे सीखो सिखाओ इनसे खेलो खिलाओ लेकिन इधर ही रह ना जाओ ये याद रखो कि तुम हो मुसाफिर ठीक है जिस तरह मुसाफिर एक कुछ कहीं जाता है कुछ लोगों से मिलता है अच्छे तरीके से मिलता है किसी जगह ठहरता है तो अच्छे से सलाम करता है और फिर आगे चलता आगे चला जाता है जब उसका जब भी ले होता है उस लेवर लेवर के लिए रुका वहां पर उसने जो है वो कुछ देर सस्ताया और फिर आगे अपने रस्ते पर निकल गया ए जुए आब बढ़ के हो दरियाए तुम दो तेज जुए आब आप पानी को कहते हैं जू कहते हैं बॉडी यानी किसी भी एक जुए आब से मुराद यानी एक छोटी सी नदी है यानी पानी का छोटा सा एक रवानी का सिलसिला है जो जा रहा है ए जुए आप बढ़ के हो दरिया तुम दो तेज तुंदो तेज से मुराद है बड़ा स्ट्रांग और जोर जोर से ठाठे मारने वाला दरिया कि तुम ये जो छोटे से नदी बन के फिर रहे हो तेज हो जाओ गर्मी लेके आओ अपने अंदर अपने आप को और ताकतवर करो मजबूत करो साहिल तुझे अता हो तो ठीक है आपको दरिया का किनारा भी मिले यानी आपको वो जगह भी मिल जाए कि जहां आपने सुकून करना है तो साहिल ना कर कबूल वहां पर रुक ना जाओ क्योंकि तुमने फिर वापस जाना है फिर जाकर तुमने दोबारा गोहर ढूंढना है हीरा ढूंढना है मोती ढूंढना है और उसको वापस लाकर जो है वो तुमने साहिल पे मारना है फिर वापस जाना है तो इधर रुक ना जाओ खोया न जा सनम कदाए कायनात में ये जो दुनिया का सनम कदा कहते सनम कहते हैं बुध को सनम कदा जहां पर बुध रखे गए होते हैं तो सनम कदा जो है ये जो सनम कदा कायनात कहा जा रहा है यूनिवर्स का यूनिवर्स का ये पूरा का पूरा जो टेम्पल है इससे मुराद है कि दुनिया की रंगीनियां जिधर देखो कुछ हो रहा है ठीक है इधर कुछ नया हो रहा है उधर कुछ नया हो रहा है इधर कुछ लोग और कर रहे हैं उधर कुछ और कर रहे हैं ये इसके अंदर तुम गुम ना हो जाना कि यार अब देखो वो उधर वो वाली चीज बड़ी अच्छी चल रही है तो अब वो करके देख लेते हैं ये जो हम लोग अपने एक आ, टेस्टिंग फेज में आते हैं ना एक्सपीरियंशियल के मैं आजकल चीजें जिंदगी एक्सपीरियंस कर रहा हूं नए नए एक्सपीरियंसिस आजकल मुझे आई गो विद द फ्लो एक तरीका कार है जिंदगी गुजारने का कि जो आता है बस मैं उसी तरह चलता जाता हूं उसी की तरह वो दरिया की लहर जिधर मुझे बहा ले जाती है अल्लाह के वली तुम्हें तो अगर वो दरिया की लहर बहा ले जा रही है तो तुम तो कुछ नहीं हो ना फिर तो दरिया ही दरिया है वो जो इंडिविजुअल फ्रीडम के ऊपर आपने अपने आप को कायम करना था फिर वो तो कुछ भी नहीं है उसकी तो वैल्यू रही ही नहीं है कुछ आप आप क्लेम ही नहीं कर सकते किसी भी दिन के यार आपकी कोई दो टके की भी जो कहा जाता है कॉन्ट्रीब्यूशन हो कोई टू uh, ह्यूमैनिटी आपके हाथ से कितने लोग हैं जिन्होंने इस्तफा कर लिया कितने लोग हैं जो आपके शर से महफूज रहे कितने लोग हैं जिन तक आपने जो है वो आसानी पहुंचाई आसानी उनको बख्शी आप ये क्लेम ही नहीं कर सकते क्योंकि आप उसी के साथ साथ गुजर गए हो तो इस इन रंगीनियों में खो ना जाओ महफिल गुदाज गर्मी महफिल न कर कबूल महफिल गुदाज गुदाज कहते हैं गर्मी पैदा करने वाले को ठीक है या नर्म, गर, नर्मी गर्मी पैदा करने वाले तो महफिल गुदाज के जो महफिल में गर्मी बर्पा करते एक महफिल में जाकर बैठे तो सब उसकी तरफ देखने लगे सब कहें यार ये जो बात कर करना इसकी बात सुनना जरूरी है ये बड़ी खूबसूरत बात इन्होंने की ये इसका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो बड़ा सुनने के लायक है आप समझ रहे हैं आपने होना महफिल गुदाज ही है आपने अपने अंदर क्वालिटीज वही पैदा करनी है कि लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते जाएं आपके अंदर से ऐसी खुशबू लोगों की तरफ जाए ऐसी स्वीटनेस आपके अंदर से लोगों को फैल रही हो कि लोग खुद ही खिंचते चले जाए कि यार इसका पैगाम सुनो ये जो बात कर रहे हैं ठीक है लेकिन महफिल गुदाज गर्मी महफिल ना कर कबूल गर्मी महफिल से मुराद है कि उस महफिल के अंदर वही जो तपिश है वो जो लोग बैठकर बात कर रहे हैं इसको अब ये ना समझ लो कि तुम्हें दाद मिल गई वहां बैठ के तो जिंदगी पूरी हो गई वाह वाह जी आज मुझे ऐसी दाद मिली कि वो उसने देखा वो मेरे बारे में क्या बात की इतनी मेरी प्रेज कर रहा था इतने जो है वो कोई कहता है खुशामद कर रहा था कोई कह रहा कहता है कुछ कर रहा था तो तुम उसी के अंदर ना पढ़कर रह जाना कहीं तुमने बनना तुमने बादशाह ही है बाद, बनना तुमने मलका ही है ठीक है तुमने अपने इर्द गिर्द लोगों को जमा करना जरूर है लेकिन उधर रुक नहीं जाना ये नहीं समझना कि ये जो है वो तुम्हारी अपनी वजह से यहां जमा हो गए वो तो अल्लाह की तौफीक है कि तुम्हारे सामने है तुम्हारा काम तो और है तुम तो मुसाफिर हो मुसाफिर एक रात को महफिल लगाता है उसमें बैठ के सबको हंसाता है हंसाते हंसाते रुलाता है ठीक है और जब सब जो है वो हंसते वो खेलते हैं लोट पोट हो रहे होते हैं रोकर अपने कमरों को जा चुके होते हैं सुबह की आजानों से पहले फज्र से पहले वो मुसाफिर जा चुका होता है जब वो सुबह उठ के ढूंढते हैं कि यार वो बंदा कहाँ गया जिसने हमें पूरी रात महजूस किया जिसके साथ इतना मजा है पता चलता है जना वो तो जा चुके क्योंकि उनकी तो मंजिल ही और है वो तो रस्ते किसी और ही रस्ते के मुसाफिर है ठीक है तो वो रास्ता अपने अंदर हम क्लियर करते जाए सुबह अजल ये मुझसे कहा जबराइल ने सुबह अजल अजल की सुबह अजल कहते हैं शुरुआत को यानी टाइम का शुरू होना यानी दुनिया का कायनात का पहला दिन सुबह अजल उसको कहा जा रहा है यानी जब कायनात क्रिएट की गई तो जिब्रील अलैहिस्सलाम लामा बात कर रहे हैं कि क्या कहते हैं यानी इससे मानी उनका यही है कि हुजूर हजूर पाकम तक जो पैगाम पहुंचाया वो मैं आप तक ट्रांसमिट कर रहा हूं तो ये यानी एक शायराना तरीका है सुबह अजल ये मुझसे कहा जब्राइल जबराइल ने जब्राइल चुके वही लेके आते हैं वो सेक्रेट पैगाम लेके आते हैं जो भी जबरील कहते हैं वो दरअसल खुदा का कहा हुआ होता है अल्लाह का कहा हुआ होता है इस वजह से इसकी इंपॉर्टेंस है जो अक्ल का गुलाम हो वो दिल ना कर कबूल ठीक है यानी वो इल्म मैंने आपको सारी बात की थी कि वो आपने इल्म मुशाह चीजें करनी है लेकिन अपने दिल को आपने इसके ताबे नहीं कर लेना क्योंकि ये तो मनुस मारा ये तो कैलकुलेटिंग डिवाइस है ठीक है ये तो तखमीनो जन में लगा रहेगा बंदा तकमीनोर में बन ये तो टू प्लस टू वन माइनस वन ये करता रहेगा ठीक है आप सोचते रहेंगे मैंने अब जो जिंदगी में स्टेप उठाना था उसके प्रोज ये हैं लेकिन कॉन्स ये हैं इसमें पड़ गए तो अकल आपको अकल सारी जिंदगी इसी में लगाए रखेगी और आप कभी भी जो है वो एक्टिव डिसीजंस ले ही नहीं पाएंगे अपनी जिंदगी में प्रोफेशनली पर्सनली फैमिली वाइज या आपने क्या कहते हैं आप रिलीजियसली uh, स्पिरिचुअली आप वो डिसीजन ही नहीं ले पाएंगे तो करना क्या है कि हमने अपना ईमान मजबूत करना है अपने कल्ब के अंदर ताकत भरनी है क्यों क्योंकि ईमान मोजिद है तमाम इल्म का ईमान और मोहब्बत जो है वो इल्म की मां है इल्म पैदा होता है मोहब्बत से इल्म पैदा होता है मजबूत ईमान से अच्छा ईमान पैदा होता है ताकत से ताकत से ईमान और ईमान से ही ताकत भी पैदा होती है जितना मजबूत ईमान होगा उतनी आपके अंदर ताकत बढ़ती जाएगी ठीक है इसी से इल्म भी पैदा होता है तो अपना जो वो फर्म बिलीफ है ना यकीन मोहकम उसको हमने कायम रखना है अपनी हमने बेसिक स्ट्रेटेजी क्लियर रखनी है कि अल्लाह और उसके रसूल एक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसके बाद आगे का रास्ता उसके ऊपर हमने देखना है ये रास्ता इस पर फिगर आउट कर लिया क्या रास्ता है अब इस पर हमने चलते जाना है श्किल आएंगी तो चलो थोड़ा राइट ले लिया थोड़ा लेफ्ट ले लिया लेकिन रास्ता हमने क्लियर कर लिया इस पर चलते जाने तो ये बड़ा क्लियर रखना है कि वो जो रास्ते पर चलते जाने का काम है ना ये सिर्फ दिल करवा सकता है अकल आपको थोड़ी थोड़ी देर बाद बताएगी यार कितनी देर तुमने चल लिया इस रस्ते पर तुम्हें क्या मिला है वो भी तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं घर वाले भी तुम्हें कुछ नहीं मान रहे हैं तुम्हारे दोस्त भी पहले जो तुम्हारे साथ होते थे वो भी अब तुम्हारा मजाक उड़ा रहे हैं तो इसमें से अब हम क्या यानी करें ये एक जो है वो जनरल व्यू पॉइंट बन जाता है इससे निकलने का क्या तरीका दिल को मजबूत करो कल्प को मजबूत करो कल्प की एक्सरसाइजेस करो कल्प के मसल्स बनाओ कल्प के मसल्स कैसे बनते हैं वो यानी जिक्र फिक्र से बनते हैं मराकबे से बनते हैं अकेले रहने से बनते हैं आइसोलेशन से सॉलीट से अपने आप से बात करने से अपनी थाट्स को देखने से कि वो क्या आ रही है अंदर से क्या जा रही हैं और उनको सिर्फ देखते रहने से तस्वर करने से अभी हम आगे कुछ योगा और मेडिटेशन की बात भी करेंगे और उसको हम अलामा की बात में कांटायाब करेंगे उसकी भी अभी बात आएगी बातिल दुई पसंद है हक ला शरीक है बातिल जो है ना वो दुई पसंद दुई कहते हैं दो चीज़ों का होना दुई पसंद यानी बातिल को कंफ्यूजन पसंद है बातिल यानी ऑब्वियसली कहते हैं कि गलत को या फिर जो रॉन्ग है या लेट से शैतान है जो या जो बैड फोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड है वो बातिल है ठीक है और हक लाशरीक है हक में कोई और शरीक नहीं है वो अकेला है वो वादा शरीक है और वो सबको पता है वो आपके दिल को भी पता है कि सही काम करने वाला क्या है बातिल को, बातिल को को कंफ्यूजन पसंद है बातिल चाहता है कि हम हमेशा वो अगेन जन में पढ़ के अब हमें एक्चुअली हमने जिस पर वो सही रस्ते पर चलना था हमें भूल जाए कि वो सही करने वाला काम क्या था जब हमें भूल जाता है ना तो वो बेसिकली बातिल की कामयाबी हो जाती है कि यार अब ये भूला हुआ है इसको अब सही होने में भी बहुत टाइम लग जाएगा ठीक है शिरकत मयान हको बातिल न कर कबूल शिरकत कहते हैं किसी चीज का किसी चीज के साथ शामिल होना इकट्ठा होना मया मयान हको बातिल मयाना कहते हैं बैलेंस ठीक है यह किसी चीजों को इक्वलिब्रियम में लाना और हको बातिल कि तुम ऐसी जिंदगी ना गुजारो कि जिसमें थोड़ा सा हक हो और थोड़ा सा बातिल हो और तुमको मैं बड़ी अच्छी जिंदगी गुजारना आप समझ रहे हमने पहले भी ये बात एक दफ़ा की कि किस तरह कुछ लोग जो हैं वो कहते हैं कि दीनी मामलात और मैं दुनिया को इकट्ठे चला रहा हूँ जिसका मतलब ये है कि आ, मैं नमाज पूरी पढ़ता हूँ लेकिन अलमदिल्ला रिश्वत भी पूरी लेता हूँ आप समझ रहे हैं क्योंकि वो तो जिंदगी की जरूरत है उसके बगैर तो गुजारा नहीं है या मैं बैक बाइटिंग करता हूँ ठीक है या मैं अपनी आंखों के गुनाह सरजद करता हूँ हम यहाँ पर जुर्म की जराइम की बात तो नहीं ना कर रहे हैं जराइम तो एक अलग से स्टेट के रेल्ब के अंदर एक चीज आ जाती है कि अगर आप किसी और का हक मारते हैं तो वो चीजें हम बात कर रहे हैं जो आप अपनी स्पिरिट के खिलाफ जराइम करते हैं जो आप अपनी रूह के खिलाफ अपनी खुद ही के खिलाफ जो क्राइम क्राइम कर रहे हैं वो आप तभी करते हैं कि जब आप भूल भूल जाएं भटक जाएं और आप कहें कि यार नहीं चलो ठीक है कुछ अरसे के लिए ना दोनों चीजों को इकट्ठा चला लेते हैं इकट्ठा नहीं चल सकता चलेगा तो एक ही चलेगा ठीक है ये अब सख्त बातें लेकिन क्या करें जब हम ट्रेनिंग की बात कर रहे हैं तो लामा के हाँ सख्त बातें ही हैं चल सिर्फ हक चल सिर्फ हक चल सकता है जा अल हक को वजाकिलहू का आया हक और गया बातिल और हक तो बातिल तो है ही मिटने के लिए बातिल तो बना ही इसलिए को पूरी तरह इराडिकेट किया जा सके और ये और लेकिन ये याद रखिए कि हक जो है वो हमेशा डार्कनेस के अंदर रोशनी की तरह है और रोशनी डार्कनेस में फैलानी पड़ती है जोर लगा के ऑटोमेटिकली नहीं आ, बढ़ती अगर आप छोड़ दें तो वो कम होती जाती है और डार्कनेस बढ़ती जाती है तो इट्स इट्स एन ऑलवेज एन ऑन गोइंग स्ट्रगल जो कि हमने करनी है अच्छा जी इसी से अगली पर आ जाइए जो इसी के साथ अगली अब गजल आ गई है सामने ना मैं अजमी ना ना मैं अजमी ना हिंदी ना इराकी और हिजाजी के खुद ही से मैंने सीखी दो जहां से बेनियाजी तू मेरी नजर में काफिर मैं तेरी नजर में काफिर तेरा दीन नफस शुमारी मेरा दीन नफस गुदाजी खूबसूरत तू बदल गया तो बेहतर के बदल गई शरीयत के शरीय तदरवान नहीं दी शाहबाजी तेरे दशत दर में मुझको वो जुनून नजर ना आया कि सिखा सके खिरत को रहो रस्म कार सा ना जुदा रहे नवागर तबोताब जिंदगी से कि ये उमम है ये तरीक़ नए नवाजी ये अब हमारे पास अगली गजल आ गई नाम अजमी ना हिंदी अजम कहते हैं अरब और अजम अजम से मुराद है नॉन अरबिक स्पीकिंग बेल्ट और उसमें भी पर्टिकुलरली पर्शियन बेल्ट यानी पर्शिया को अफगानिस्तान को फारसी बोलने वालों को तकरीबन हिंदुस्तान को भी यह सारा अजम का इलाका है ठीक है और दूसरा इसके मुकाबले में अरब का इलाका है नाम अजमी यानी वो नाम है ना हिंदी ना इंडियन इराकी और हिजाजी इराक का भी नहीं और हिजाज कहते हैं मक्का मदीना उसका मुरादूर पाक के लिए पाक का वो इलाका यानी से इस्लाम निकला जहां पर इनमें इन से अपने आप को किसी जगह से आइडेंटिफाई नहीं करता ना मैं पर्शियन के तौर पर ना अरब के तौर पर ना मिडिल ईस्टर्न के तौर पर आप समझ रहे इस बात को ठीक है ना इंडियन के तौर पर ना साउथ एशियन के तौर पर मेरे लिए इनमें से कोई आइडेंटिटी मानी नहीं रखती क्यों कि खुदी से मैंने सीखी दो जहां से बेनियाजी खुदी जब मजबूत कर ली ना आपने खुदी से मैंने सीखी दो जहां ये दोनों दो जहां इस जहान में भी और अगले जहान में भी बेनियाजी बेनियाजी कहते हैं ऐसा एटीट्यूड जिसमें आपको परवाह ही नहीं करते आप कि क्या हो रहा है आपके इतना छोटा मसला कि यार तुम किस नाम से जाने जाओगे इसके अंदर पढ़कर जो है वो हम इसके मसाइल में पढ़ दें कि वो अजमी है ये हिंदी है मैं इससे इसलिए बात इसी वजह से रेसिज्म जो है ना वो दुनिया का सबसे घटिया और लाइक इ लॉजिकल कॉन्सेप्ट जो है वो रेसिज्म है क्योंकि हमें सब ने अल्लाह ने अपने परताव के अंदर जब बनाया हुआ है सब वो एक ही कॉन्शियसनेस का हिस्सा है तो तुम किस बेसिस पे जो है वो कह रहे हो कि अच्छा मुझे रंग पसंद नहीं आया को खुदा का खौफ करो यार वो वो उस, वो तो रंग है ही नहीं रंग तो अंदर डाल डाला है अल्लाह ताला ने वो जो अपने रंग में रंगा है वो तो अंदर वाला रंग है जो सबको मिला के सबका एक ही एक साझा रंग है जो पूरी दुनिया के अंदर फैलाया गया तो आप ये किस तरह की बहस में पड़ गए हो कि मैं ये हूं या वो हूं दो जहां से बेनियाजी अब बेनियाजी की अगली एक सिफ्त इसको से समझने के लिए इसकी एक एक्सप्लेनेशन और भी ले लीजिए कि बेनियाजी अल्लाह ताला की क्वालिटी है अल्लाह समद है ठीक है बिस्मिल्लाम कुल्हू अहद अल्लाह समद बे न्याज है और ये बाय द वे हम इनशा कभी मौका मिला तो रमूजे बेखुदी जिस पर बाय द वे आप पहले इंटरनेशनल इकबाल सोसाइटी के पेजेस पे लेक्चर पढ़े हुए भी होंगे हमारी कोशिश होगी मैं रिक्वेस्ट करूंगा नुमान कि इसमें डाल भी देंगे वो साथ मोस्ट लाइकली उसकी जिसके अंदर हजरत अबकर सिद्दीक रजी जो है वो इकबाल के खवाब में आते हैं और उन्हें कुल्हू अल्लाह वूरा अखलास की तफसीर समझाते हैं कि ये तफसीर ये सूर अखलास है क्या इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है वो आके बक्कर सदीक समझाते हैं जिसमें वो बताते हैं कि ये जो अल्लाह अपनी क्वालिटीज बयान कर रहे हैं ये दरअसल अल्लाह के साथ साथ तुम्हारी क्वालिटीज भी हैं अगर अल्लाह एक है तो फिर अल्लाह का बंदा भी एक हो जाना चाहिए वो फिर वो दुई पसंद नहीं होना चाहिए वो एक ही रस्ते पर चलने वाला एक ही तरफ आगे बढ़ने वाला होना चाहिए अल्लाह बेनियाज है तो फिर अल्लाह का बंदा भी बेनियाज होना चाहिए अल्लाह के बंदे को परवाह ही नहीं होनी चाहिए कि दुनिया में क्या क्या चल रहा है और तीसरी कि उन्होंने जो है ना उसका कोई बाप ना बेटा की जो है वो तशरी इस तरह से की हुई है कि इन रिलेशंस के अंदर पढ़कर जो है वो जिंदगी का मकसद भूल नहीं जाता इसके अंदर उतर करके वो अपने मकसद से या अल्लाह ताला के करीब पहुंचने की कोशिश से दूर नहीं हो जाता तो ये बेनियाजी का मतलब है तू मेरी नजर में काफिर मैं तेरी नजर में काफिर तेरा दीन नफस शुमारी यह पहला मिस्रा तो बड़ा क्लियर है ना कि ये दो लोग हैं अब यहां पर यानी अमामा का हमेशा से तरीका मैंने आपको शुरू में बताया ना ये रहा है उस एक वो आसान रस्ते वाले भी बता देते हैं एक वो मुश्किल रस्ते वाले भी बता देते हैं सही और गलत को एक्सप्लेन करते हैं प्रॉपरली अच्छा ये वाले लोग इनकी साइकी क्या है ये किस आइडियोलॉजी पे चल रहे हैं क्या चीज करना चाहते हैं किस तरह आगे बढ़ना चाहते हैं और ये लोग आगे कैसे बढ़ना चाहते हैं ये दो दो तरह के लोग हैं जो दोनों एक दूसरे की काट है एक का लाइफ एक का जिंदगी गुजारने का तरीका मुकम्मल अलग है यानी उसका व्यू पॉइंट उसका वर्ल्ड व्यू ही अलग है और दूसरे का वर्ल्ड व्यू उससे बिल्कुल वन एटी डिग्रीज पे अलग है वो क्या फर्क है उन दोनों में तेरा दिन नफस शुमारी नफस कहते हैं सांस को और शुमार कहते हैं गिनने को नफस शुमारी सांस गिनना तेरा दिन नफस शुमारी तुम सांस गिन गिन के जिंदगी गुजार रहे हो अच्छा मैंने अब ये करना था अब मैंने जिंदगी क्या कहते हैं अब इस अब इससे बेहतर ये चीज करनी थी अब मेरे पास इतना बस थोड़ा सा ये वक्त रह गया जिसमें मैंने ये एक नई चीज खरीदनी है या नई जगह तक पहुंचना है तुम इस चीज में रहते हो मेरा दीन नफस गुदाजी मैं तो अपना हर हर सांस गुदाज से मुराद हमने पहले पढ़ी थी जलाना होता मैं तो हर सांस फूंकता जा रहा हूं हर सांस जलाता जा रहा हूं ठीक है मेरे लिए वो मकसद अहम है आप इसको इस तरह से समझिए ना कि कुछ लोग हैं जो जिंदगी में कुछ आसाइशों के कायल हैं कि अच्छा हाँ चलो लेट्स अचीव समथिंग लेकिन स, अचीव समथिंग बाय अचीविंग अचीव समथिंग आई मीन समथिंग मटीरियल कि कुछ हासिल कर लेते हैं मिल गया अब तो बहुत अच्छी बात है या अब अगर मिल गया तो इसका अगला मॉडल आ गया इस मोबाइल का अगला इस गाड़ी का अगला इस हेलीकॉप्टर का अगला जिस भी चीज का करते जाएंगे इस ड्रोन का अगला मॉडल आ गया अब मुझे इससे अगला लेना है ठीक है उसी के अंदर आपके जो है वो दिन गुजर रहे हैं पहला इसका मतलब यह है दूसरा इसका मतलब है नफस शुमारी का कि मौत से डरने वाले लोग ठीक है कि जो मौत तक अपना वक्त जो है वो काउंट कर रहे हैं यार उससे पहले पहले कर लो जो कुछ भी क्योंकि उसके बाद तो कुछ कर नहीं सकेंगे जबकि दूसरी तरफ जो है वो मौत को यूं आंखों में आंखें डालकर देखते हैं वो हाथ पे अपनी जान लेकर चलते हैं जान हथेली है पर लेकर चलते हैं ठीक है वो हर हर मौके पर अपने आप को और ज्यादा जलाने के लिए पेश करते हैं कि मुझे मुझसे और काम लो मुझे मुझसे आशाइश जो है वो मेरी खींच लो मुझसे और ज्यादा काम लो इधर मैं आपके साथ महफिल गुदाजी की हमने बात आ, कर ली ना इससे पहले अच्छा वो उसमें कि क्या कहते हैं आ, सुल्तान टीपू की वसीयत में जिसमें मैंने अब वो शेर लिखा था आई थिंक जालिब का था या फराज का ये एजाज है उसने आवारगी का जहां भी गए दास्तान छोड़ आए तो वो उस तरह का हमें एक मिजाज भी हमने साथ साथ रखना है अच्छा जी अब इसको समझने में एक और चीज ये समझिए कि अपनी जिंदगी को हमने आ, सिर्फ मटेरियल गोल्स के ऊपर नहीं चलाना उसके लिए हमने मेटाफिजिकल गोल्स अपने लिए समथिंग जो हमें अल्लाह ताला के करीब करे अपनी ज़ात के करीब करे, उनको हमने अपना गोल बनाते जाना है तू बदल गया तो बेहतर कि बदल गई शरीयत के मवाफिक तदरवा नहीं दी शाहबाजी तू अगर बदल जाए तो अच्छी बात है शरीयत कहते हैं लॉ को ठीक है तरीका, वो तरीका जो चलने वाला होता है उसको शरीयत कहा जाता है मवाफ के तदर्व, तद, याद नहीं आ रहा कि मैं ये सही बोल रहा हूँ कि नहीं तदरवा बेसिकली चकोर को कहते हैं यानी आप समझ लें एक वीक बर्ड को कहा जा रहा है एक वीक बर्ड और एक जो है ना स्ट्रोंग बर्ड की मुजना किया जा रहा है दो तरह के कंपेरिजन चल रहे होते हमेशा लामा के तो वो चकोर बता रहे हैं कि ये ये जो कमजोर परिंदा है मवाफ के तदरवा कि तुम अगर वो चकोर बनके जिंदगी गुजारना शुरू कर दोगे तो दीन शाहबाजी जो कि आसमानों से भी ऊपर उड़ने का तरीका है वो तुम तक नहीं पहुंच सकता तुम उसमें शामिल नहीं हो सकते अगर तुमने आ, उन लोगों को फॉलो करना शुरू कर दिया जो लोग बस के मटेरियल उसके अंदर पड़े हुए हैं अपनी अकल की सुनते सुनते बस उन्हीं चीजों को आ, उन तक पहुंचते जा रहे हैं क्योंकि अच्छा बाय द वे यहाँ एक साइकोलॉजी का छोटा सा लेसन भी है कि लोग भी काफी तरह के होते हैं ना बहुत कम लोग होते हैं जो आपका पैगाम सुनकर आपके साथ चल पड़ते हैं फिर आगे वो लोग जो है वो आपका पैगाम कुछ और लोगों तक पहुंचाते हैं और फिर वो एक बड़ी फौज बनती है जो आम अवाम उन्नास के अंदर जो है वो जाकर पैगाम फैला देती है कभी भी एक शख्स का पैगाम अचानक से पूरी अवाम मानना नहीं शुरू कर देगी ठीक है तो इसलिए आपने जहन में रखना है कि हमेशा ऐसे लोगों से बात करते रहे जो एक्टिवली कि जिनके अंदर कोई जरा मिशनरी स्पिरिट हो मतलब कोई काम करने का जज्बा हो कोई मुजाहिदाना सालाइत हो कोई तड़पने का फड़कने का उनके अंदर शौक़ हो जौक हो उस तरह के लोगों से दोस्ती करें उस तरह के लोगों को ढूंढें उस तरह के लोगों को डेवलप करें ये सबसे बड़ा जो है वो अलामा इकबाल का मकसद भी इससे जो है वो ये है अच्छा इस सारी बात से ये मकसद भी नहीं है कि हम निकल निकल कर जाकर मुश्किलें ढूंढें कि भाई अब आज मुश्किल नहीं है तो आपको मुश्किल जिंदगी में लेके आओ ऐसे नहीं है कि आपने जो है वो ढूंढ ढूंढ कर मुश्किल लेकर आनी है आपने इंजॉय करना है अपनी जिंदगी को जैसे जैसे अल्लाह ताला आसाइशें दे रही है दे रहे हैं उनको आपने साथ साथ उनमें से गुजरते जाना है लेकिन उन पर आपने कनात नहीं कर जानी कि बस यही है इसी के ऊपर रुक जाओ आप समझ रहे हैं यानी एक बड़ा लतीफ सा इनके दरम्यान में फर्क है तेरे दश्त तो दर में मुझको वो जुनून नजर ना आया दश्त कहते हैं सहरा को दर कहते हैं दरिया को ठीक है और दर से मुराद दरवाजा भी है यानी यहां पर मुराद है कि दो चीजें हैं कि रूरल और अर्बन ठीक है कि दश जो है वो सहरा और रूरल जो जगह है वो और अर्बन उन सारी जगहों में मुझे वो जुनू नजर ना आया वो पैशन ठीक है वो शौक वो कुछ कर गुजरने का जज्बा वो कहीं नजर ही नहीं आ रहा कि सिखा सके खिरद को रहो रस कार ठीक है खिरद आपकी अक्ल होती है खिरत को रहो रस्म कारसाजी कारसाजी कहते हैं कुछ कर जाने का अमल कुछ बना जाना कुछ क्रिएट कर जाना रहो रस्म कहते हैं उसका तरीका है। कार ठीक है तौर तरीके तो आप वो अब यहां पर अम्मा बता रहे हैं कि जुनून जो है वो खिरत से अफजल है वरना तो दुनिया कोशिश करती है ना कि जिसको जुनू हो गया उसको कोई कहते हैं भाई कोई अकल करो कोई अकल की अकल की बात करो तुम क्या पागल मजनू जुनूनी हो गए हो किस तरह की बात कर रहे हो लेकिन यहां पर लामा वो पॉजिटिव जुनून की बात कर रहे हैं जो आपको गाइड करता है टूवर्ड तो योर पर्टिकुलर मकसद जिस पर आपने चलते जाना होता है आप समझ रहे हैं उसको खिरत को वो गाइड कर रहा होता है तो वो गाइडिंग स्पिरिट जो है वो हमारे देहातों से भी वो हमारे शहरों से भी वो तो बिल्कुल फारिग हो गया कि कुछ नया कर जाने की साहितियत कोई क्रिएटिव काम कोई तहकीकी काम कोई ओरिजिनल थाट अदब में काम म्यूजिक में काम कोई नया काम ऐसा जिससे दुनिया बेहतर हो सके वो तो हम कर ही नहीं पाए न जुदा रहे नवागर नवागर कहते हैं नवा कहते हैं आवाज लगाने वाले को या सदा लगाने वाले को जो गा रहा होता है गाने वाले को लेट से नवागर कहते हैं न, न जुदा रहे नवागर ताब जिंदगी से ताब यानी ये ऊंच नीच जिंदगी की जो है ये जो गर्मी सर्दी है जिंदगी की ये मुश्किलें आना है और आना जाना इनका लगा रहता है एक कोई जो म्यूजिशियन है या एक कोई आर्टिस्ट है या एक कोई क्रिएटिव राइटर है या एक कोई कंटेंट प्रोड्यूसर है या कोई टिकटॉक पे वीडियोस बनाता है या कोई इंस्टाग्राम लाइव करता है या कोई अपनी जो है वो ग्राफिक आर्ट एंड डिजाइन करता है कोई शख्स भी जो इस तरह अपनी आर्ट से दुनिया में कोई भी काम कर रहा है ना उसके लिए ये लाजिम है कि अपने आप को अपने इर्द गिर्द के माहौल और उसकी ऊंच नीच से जोड़े वो बस एक खला के अंदर जो है वो एक चीज ना बन जाए कि मैं अब एक आर्टिस्ट हूं अब बस वहीं पर बन के रह गए उसकी बजाय वो अपनी आर्ट को अपनी सोसाइटी के लिए यूज करे मैंने इसमें करना क्या मेरा पैगाम क्या मैंने पहुंचाना है इसकी वजह आगे वो क्या बता रहे हैं कि हलाक की ये उमम है हलाक कहते हैं डेथ हो जाने को उमम कहते हैं उम्मत को या फिर आपकी नेशन को लोगों का मर जाना है किस चीज में हलाक की ये उमम है ये तरीके नए नवाजी ये नए जो है वो विष्णु इन नए छू शिकॉत में खुनात अजुदोहायत में खुनात नए यानी वो मौलाना रूमी वाली नए की बात हो रही है बांसुरी की तरह जो बजाई जाती है यहां पर सिर्फ कहा जा रहा है कि नए सिर्फ यानी कोई म्यूजिक बजा लेना तबला सितार बजा लेना गिटार ड्रम्स बजा लेना आपने म्यूजिक मिक्स कर लेना ये जिंदगी का एंड नहीं है उससे आप हासिल क्या कर रहे हो ये असल में मैटर करता है कि आपने एक्चुअली अपने उन उन ताकतों को किस तरफ सर्व किया उनसे क्या आपने काम लिया ये सबसे ज्यादा मैटर करता है ये हमारी अगली गजल भी हो गई जी अब हम कहां जा रहे हैं जी इसके बाद अब हम जा रहे हैं जी तरबियत पर इसी से आई थिंक चार पांच नजमें आगे हिंदी मकतब भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है एक्चुअली uh, एक एक नज़म बहुत इंपॉर्टेंट है लेकिन अब ऑब्वियसली हमारे पास वक्त की चूंकि कमी भी होती है तो हम कुछ कोशिश करते रहते हैं कि अपनी चीज़ें जो हैं वो आ, थोड़ी थोड़ी आ, कम कर सके बिस्मिल्लाह। जिंदगी कुछ और शय है इल्म है कुछ और शय जिंदगी सोजे जिगर है इल्म है सोजे दिमाग इल्म में दौलत भी है कुदरत भी है लज्जत भी है एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग एले दानिश आम है कमयाब है एले नजर क्या ताजुब है कि खाली रह गया तेरा अयाख शेख मकतब के तरीकों से कुशादे दिल कहां किस तरह की बरीच से रोशन हो बिजली का तरा, चराग एक सेकंड जी अच्छा जी जिंदगी कुछ और शय है इल्म है कुछ और शय ठीक है अब हम वो अपने इल्म हमने जो पहले बात कर ली है इल्म के ज़राय की भी आ, उस पर अब हम आ गए हैं आगे भी कि जिंदगी और इल्म जो है ये दोनों अलग अलग चीजें हैं अलग अलग शय है जिंदगी और इल्म का दोनों का साथ चलना जो है वो नेसेसारिली एक ही चीज का नाम नहीं है इल्म हासिल करने से आपको कुछ और मिलता है और जिंदगी में अगर आपने आगे बढ़ना है तो आपको कुछ और करना पड़ेगा तरबियत तरबियत की अब बात आ गई है अब यहां हम दोनों तरह की तरबियत की बात कर रहे हैं हम फिजिकल एग्जर्शन की भी बात कर रहे हैं और हम स्पिरिचुअल एग्जर्शन की भी बात कर रहे है। हैं ये दोनों एग्जर्शन जो है वो तरबियत का हिस्सा है यानी सहल पसंद आराम पसंद होकर सिर्फ बैठ जाना मकसद नहीं है जिंदगी सोजे जिगर है सोजे जिगर यानी जिगर का खून या फिर जिगर का नगमा है जिगर के अंदर से निकलने वाली हरारत आपके दिल के अंदर पैदा होने वाली वो तपिश जिंदगी तो वो है ठीक है जिंदगी ये जो दिल के अंदर से नगमा निकल रहा है ये वो है इल्म है इल्म सोजे दमाग आपका दिमाग को स्टिमुलेट करती है आपका माइंड जो है वो शार्पन करती है माइंड शार्पन हो जाएगा लेकिन माइंड शार्पन खाली होने से आप पूरी जिंदगी नहीं गुजारे गुजार पाएंगे मतलब इसको और आसान करते हैं आप सिर्फ और सिर्फ जो है वो 90% परसेंट परसेंट नंबर लेने से 4.0 पॉइंट ले लेने से अपनी जो है वो दफ्तरों के अंदर एक्सलेंस सर्टिफिकेट हासिल जो है वो एक रिसर्च का कर लेने से जिंदगी के तमाम राज नहीं समझ जाएंगे एक बच्चा जब रो रहा होता है आपने उसको चुप कैसे कराना है ये आप समझ नहीं जाएंगे उससे वो आपको उसको कराने से ही आएगा आपने जो है वो एक आ, अगर अपनी माँ के पास बैठना है तो उनको उनसे कैसा बर्ताव करना है जिससे उनको देखे से जो ही जो है वो आपका हज हज कबूल हो जाए वो भी खुश हो जाए कि ये मेरा बच्चा है ये आपको एम नहीं बताना है, ये आपको करने ने बताना है ये आप करेंगे तो उससे आपको पता चलेगा कि ये कैसे हो सकता है आप समझ रहे यानी ये दोनों चीजें जो है वो आ, अलग अलग जो है वो आ, क्या कहते हैं अपने बंदोबस्त रखती है तरीके कार का अगली बात ये भी सुन लीजिए यहीं पर साथ ही कि ये सोजे जिगर की जो बात हो रही है इसमें ilm जो है ना देखिए रूह को अपनी खुदी को बेदार करने के लिए अपनी रूह को मजबूत साफ पाक करने के लिए गंदगी से क्योंकि हमारी रूह पर हमारे कल पर ये चादरें चढ़ती जाती है, परते हैं परतें काली परतें कालक की परतें चढ़ती जाती हैं जैसे जैसे हम कोई गुनाह करते जाते हैं तो पहला काम तो हमारा ये होता है हमने वो कालक की परतें उतारनी होती हैं अपने आप को उन गुनाहों से पाक करना होता है ये पॉसिबल है अलामा के यहाँ जो हमें चीज नजर आती है ये पॉसिबल है फैजान नजर से ये पॉसिबल है किसी श, आ, आ, सही शेख की सोबत में बैठने से एक एक्चुअल रियल टीचर ढूंढना पड़ेगा ठीक है मतलब कहीं आपको फौरन मिल नहीं जाएगा ढूंढना पड़ेगा लेकिन ये वही है वो ये फैजान नजर था या या कि मकतब की करामत थी सिखाए किसने इस्माइल को आदाब फरजंदी ठीक है मतलब वो वो जो आदाब सिखाने वाली आ, नजर है ना वो हमें ढूंढनी है उससे हमारी तरबियत होगी कि तेरा इलाज जो है वो नजर है एक किसी एक अल्लाह वाले की नजर पड़ जाना जो है वो है तुम्हारा असल इलाज जिसके अंदर तुमने अपनी रूह को और मजबूत करना है बेहतर करना है इल में दौलत भी है दौलत से मुराद ऑब्वियसली आपकी मटीरियल दौलत है और इससे मुलाद मुराद पावर भी है कुदरत भी है कुदरत चले आगे साथ आ गया कुदरत पावर को कहते हैं इल्म में दौलत भी है कुदरत भी है लज्जत भी है कि मजा भी बड़ा आता है आपको पैसा भी मिलता है ठीक है आपको पावर भी मिलती है आपको आ, आ, मजा भी आता है तो ये इल्म के नशा जो है ना इल्म का नशा पी एच कर लेना डबल पीएचडी कर लेना पोस्ट डॉक कर लेना या लट से बस उसी इल्म के अंदर और पढ़ते जाना किताबों के अंदर घुसते जाना घुसते जाना इसका एक मजा है इसका एक नशा है क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ नए से नया काम करते जा रहे हैं जो कि आप कर रहे होते हैं वो इंटेलेक्चुअली अपने आप को स्टिमुलेट कर रहे होते हैं लेकिन आपने फिजिकली अपने आप को ना हरकत की होती है ना ही आपने अपने जो है वो दिल को साफ किया होता है मतलब आ, वो, उससे होता क्या है कि फिर आप, आपके सामने पढ़े लिखे जाहिल पैदा होना शुरू हो जाते हैं मतलब वो डिग्रियों के उन्होंने बोर्ड अपने गले में लटकाए होते हैं लेकिन जबान से उनकी जहर निकल रहा होता है आप समझ रहे हैं बात वो जो है वो ऐसे करते हैं कि उसको देखकर एक नॉर्मल महफिल भी जो है वो पूरे के पूरे अपने मुंह छुपाने लग जाते हैं घर वाले कहते हैं कि यार पढ़ लिख तो बहुत गया लेकिन हमारे साथ पता नहीं क्या मतलब ऐसे इलम का कोई फायदा बताए ना मुझे कि कि जो आपको ये ये सोचने पे मजबूर कर दे कि यार ये मेरे माँ बाप जो है ये तो दुनिया के सबसे बड़े जाहिल लोग हैं इनको तो कुछ आता नहीं है असल में तो मैं चूंकि पढ़ गया हुआ हूं तो मुझे ही सारी की सारी जो है वो आ, मेरे पास सारा इलम है अशफाक अहमद का मुझे एक जाविया का वाक्य याद आ रहा है अब वो मुझे एग्जैक्टली पूरी आ, सही डिटेल के साथ याद नहीं है लेकिन वो लेसन उसमें जो था वो याद है कि एक लड़का जो है वो गांव में रहता था और गांव में जिस तरह अशफाक अहमद साहब जो है वो बाबा बाबों की बात किया करते थे वो एक बाबा जी थे जो चारपाई डाल के लेटे रहते थे वहां पर सारे लोग आते थे उनसे आके अपने मसाइल पूछा करते थे और वो मसाइल के जवाब देते थे वो बिल्कुल अनपढ़ बाबा जी थे मतलब उन्होंने दुनियावी जिंदगी की कोई तालीम नहीं हासिल की हुई थी लेकिन विजडम उनके अंदर बहुत था उनके पास जो है वो जीरत नज़र और किस तरह से दुनिया में क्या फैक्ट्स होते हैं वो सारी चीज़ें वो जानते थे ये साहब या तो वो अफफाक अहमद खुद थे या किसी का वाक्य बयान कर रहे थे कि ये शहर गए और शहर से बीए कर लिया बीए करके वापस आए तो साइकिल पे बैठकर जब वो पहुंचे गांव में तो जाकर देखा वो चारपाई पर लेटे हुए तो जाकर साइकिल जो है वो बिल्कुल चारपाई के साथ खड़ी की और एक पाँव जो है वो यूं चारपाई के ऊपर रख दिया और कहा कि बाबा जी थानू तो पता है कि एक मक्खी एक मक्खी दिया बत्ती अखा होंदिया ने एक मक्खी की बत्तीस आंखें होती है सोलह एक पास ने तो सोलह दूजी पास था देर पता था मुझे पता है ये फैक्ट इतना बड़ा मैं पता चेक करके आया हूं मक्खी का कि उसको जो बत्तीस आंखें हैं उसके पास तो आगे से बाबा जी जवाब देते हैं कि बच्चे फिटे मुंह उस मक्खी का जेडी बत्ती अखा भी जाके गांत ही बहंदी है ठीक है लानत है ऐसी मक्खी पर कि जिसके पास इतनी आंखें अल्लाह अल्लामिया ने उसको दे दी लेकिन वो जाकर बैठेगी तो वो सबसे जो घटिया और गंद की जगह होगी जहां से बू आ रही होगी वहां जाके मक्खी बैठेगी ठीक है गंद फैलाएगी जरासीम फैलाएगी अब ये आप फर्क देखिए ये इल्म का और वजदान का या फिर स्पिरिचुअली अवेकन होने का और आपका जो है वो खाली मेंटली शार्पन होने का फर्क क्या है आप कैसे दुनिया के फैक्ट्स के ऊपर एक मुख्तलिफ तरीके से देख रहे होते हैं एक मुश्किल इल में दौलत भी है कुदरत भी है लज्जत भी है एक मुश्किल है कि हाथ आता नहीं अपना सुराग, अपना तो पता चलता ही नहीं है इसके अंदर क्योंकि अपना तो हमारा इल्म के अंदर किताब के अंदर तो हमारा जवाब पड़ा हुआ ही नहीं है हमारा जवाब तो दिल के अंदर पड़ा हुआ है ना उधर से निकालना जरूरी था उसको हमने पढ़ना ही नहीं है उसके बारे में सोचना ही नहीं है और यही काम इंशाला अभी हम थोड़ी देर में पढ़ रहे हैं वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम का सबसे घटिया काम जो उसने किया है वो ये कि हमें इस तजबजब का शिकार कर दिया कि आया पता नहीं ये जो दिल है ये जो कल्प की दुनिया ये एक्चुअली एग्जिस्ट एक्षिस, एग्जिस्ट करती भी है या नहीं क्योंकि मैं तो आवाज से खमसा से देख नहीं सकता ये वो फ्लान निमकाना कंफ्यूज कर दिया मतलब हमारे पढ़े लिखे तरीन लोग भी जो है वो इस हकीकत को अभी भी इससे जो है वो ना आशना है कि ये कल्प की दुनिया पूरी दुनिया है इसके ये पूरा इल्म का रास्ता है इससे इल्म हासिल करके जो कि यानी एंशियंट आपके जमाने कदीम के भी जो रिलिजन हैं जिसके अंदर बुद्धमत शामिल है हिंदुजम शामिल है इवन क्रिश्चियनिटी के अंदर स्पिरिचुअलिटी का जितना ताल्लुक जो है वो कुछ हद तक शामिल है इन सब के अंदर भी उसकी बात है लेकिन हमारे जो है वो यहाँ पर ऐसे ऐसे माजत खाना लोग बैठे हुए हैं जो कहेंगे कि जनाब नहीं नहीं असल तो पता नहीं गोरा जो है वो शायद जन्नत से अकेला उतर के आया था ये जितरो की भी ब्राउन चमड़ी है ये सारे के सारे कमी कमीन है एह दानिश आम है दानिश कहते हैं अकल को आ, दानिश कहते हैं फरासत को यानी आपके पास नॉलेज होना अहले दानिश दानिश वाले लोग के इल्मे लोग तो बहुत है कमयाब है अहल नजर नजर के लोग यदि जो देख के बंदा बता दें कि यार ये बंदा खोरा खोटा है कि खरा है वो लोग कम है जो एक्चुअली हमें बता दें कि एक शख्स जो है उसकी क्या वैल्यू है वो हमारे पास लोग नहीं है आ, क्या ताजुब है कि खाली रह गया तेरा अयाग अयाग कहते हैं प्याले को के, तो इसमें मतलब मैं कैसे कहूं आ, और ये बात हो रही है बाय टीचर्स की यूनिवर्सिटी टीचर्स की वैसे स्कूल टीचर्स की कि ये लोग जो हैं वो एहले नजर है ही नहीं मतलब दानिश भर गई है हम लोग जो हैं वो बस अपनी डिग्रियां लोगों को बताते फिरते हैं लेकिन एक शख्स को ट्रांसफॉर्म करने की हमारे अंदर ताकत नहीं है क्या ताज्जुब क्या इसमें जो है वो मकाका है क्या अजीब बात है कि तुम्हारे तुम नहीं सीख सके तुम्हें नहीं पता चल सका कि दिल की दुनिया है क्योंकि वो लोग ही नहीं है जो तुम्हें असल में बता पाते कि ये एक दुनिया है जो एग्जिस्ट करती है शेख मकतब के तरीकों से कुशाद दिल कहां शेख मकतब टीचर प्रोफेसर ठीक है यूनिवर्सिटी का कॉलेज का स्कूल का जो भी हम लोग हैं ये सारे जो शेख शे, मकतब हैं इनके तरीकों से यानी जिस तरह ये पढ़ाते हैं या जिन जो इनका अंदाज़ बयाँ है इससे कुशाद दिल कहां इससे दिल को खुशी किधर मिलती है इससे दिल हमारे कहां जो है वो मुनवर हो पाते हैं किस तरह कि बरीत से रोशन हो बिजली का चिराग किबरीत कहते हैं दिया सलाई को आप समझ लें माचिस को जिससे चराग जलाया जाता था ठीक है किस तरह किबरीत से रोशन हो बिजली का चिराग यानी एक बल्ब है वो जलाना है हाथ में तुम्हारे माचिस है तुम कैसे जो है वो ये बल्ब जलाने की बात करते हो इलेक्ट्रिसिटी का तुमने स्विच नहीं लगाया अपने साथ अभी तक तुम्हारा कनेक्शन ही नहीं है अभी तक चल रहा तो तुम कैसे जो है वो इन लोगों के साथ आकर जो है इनको बेहतरी की तरगीब दे सको कि जिस वजह से हमारे यहाँ मुल्ला का भी और सूफिया का भी जो पैगाम है वो आउटडेट होता जा रहा है क्योंकि वो उसको रिन्यू ही नहीं कर रहे हैं आने वाले दौर के लोगों के साथ साथ ये एक बहुत बड़ी बात थी अच्छा जी इसके बाद अब हम ब इल्म के सिर्फ दो शेर हैं ये जल्दी से पढ़ जाते हैं खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे मेरे सारे के सारे तालबिल्मों दोस्तों जो भी अभी पढ़ने की जिंदगी में है आ, खुदा तुझे किसी तूफान से आश ना कर दे कि तेरे बहर की मौजों में इस तराब नहीं कि तुम जो है वो कोई अल्लाह करे तुम्हारे अंदर कोई चीज ऐसी जागे कि तुम्हारा भी दिल करे मेहनत करने का भाई तुम्हारा भी दिल करे कि सिर्फ जो है वो टिकटॉक के अंदर सारी जिंदगी नहीं गुजारनी तुम्हारा भी दिल करे कि कुछ ऐसा प्रोड्यूस करना है मैंने अपने काम से जिसकी वजह से मैं जाना जा सकूं क्योंकि तुम तो मेहनत से इतना दूर हो गए कि उसके बाद तुम आगे बढ़ने की बात का सोच ही नहीं सकते कि तेरे बहर की बहर दरिया समंदर बहर के कहलाता है कि मौजों में इसतराब नहीं यानी इस तरब कहते हैं वो उखड़पन वो निकलने का वो जज्बा वो शौक वो उबर उबर के बाहर आने का तुम्हारे अंदर शौक ही नहीं रह गया तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराह के तू तुम पढ़ किताबें तो बहुत पढ़ते रहते हो नंबर तो तुमने ले लिए सारे के सारे किताब हां है मगर साहेब किताब नहीं तुम किताब पढ़ने वाले हो लेकिन एक्चुअली साहेब किताब जिसके दिल में किताब उतर जाती है जिसके लिए किताब लिखी जाती है तो वो नहीं हो क्योंकि कुरान तुम्हारे लिए लिखा गया ना तुम आ, अपनी हैसियत तुमने वो की कि जिसकी वजह से तुम अपने आप को कह सको कि हाँ मेरे अंदर जो है वो वाकई एक ताकत है और मैं ये कुरान पढ़ने के लायक हूं मैं इससे समझूंगा भी इसको फैलाऊंगा भी हम अपने कलेक्टिवली जो है वो हम वो तरीकाकार ही छोड़ गए हम वो जो मुश्किल पसंदी है वही उसको छोड़ गए तो कैसे हम लोगों ने अपने आप को किसी भी सूरत में बेहतर करने का कुछ काम करना था इसी से अगली नजम है जी मदरसा और हम कहां पहुंच गए हैं अपनी नजम हमारे पास अभी 20 से 25 मिनट मौजूद है आ, मदरसा में अब हम बात करते हैं यानी अब हम मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम के ऊपर बात करने के लिए आ गए कि अब हो क्या रहा है हमारा तालब भी ऐसा हो गया हमारे पढ़ाने वाले भी ऐसे हो गए लेकिन ये जो मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम है इसने हमें कहां, -कहां से पकड़ा हुआ है इसको देख लेते हैं असर हाजिर मलकुल मौत है तेरा मलकुल मौत है तेरा जिसने कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र माश दिल लरसता है हरीफाना कशाकश से तेरा जिंदगी मौत है खो देती है जब जौके खराश उस जुनू से तुझे तालीम ने बेगाना किया जो ये कहता तखिरत से के बहाने न तराश फैज फितरत ने तुझे दीदा शाही बख्शा जिसमें रख दी है गुलामी ने निगाहे खफाश या खिफाश मदरसे ने तेरी आंखों से छुपाया जिनको खलवते कोहो बयामा कोहो बयाबा में वो असरार है फाश असरे हाजिर मॉडर्न एज असर हाजिर मलाकुल मौत है तेरा असर हाजिर जो है वो आपका इजराइल सलाम है जो आपकी मौत निकाल आपके अंदर से आ, आ, आपकी रूह कब्ज करने के लिए आ गए मलाकुल मौत में जो आना है वो हमारी रूह खींच के वापस अल्लाह मियाँ के पास लेके जानी है ना तो ये जो मॉडर्न डे एंड एज है ना ये तो ये ही तुम्हारी क्या कहते हैं रूह निकाल के ले गया है और किस तरह इसने रूह निकाली है कब्ज की रूह तेरी दे के तुझे फिक्र माश मैंने कमाना कैसा है माश यानी आपकी इकोनॉमिक स्ट्रगल आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन आप बस इसी में पढ़कर रह गए दोबारा मुझे जो है वो आ, शेर याद आ रहा है अमजद इस्लाम अमजद का पढ़ते हैं लोग इसलिए कि जिंदगी करें है इल्म उनके वास्ते रोजी का मसला मेरा है मसला कि मैं जिंदा इसी से हूं तो हमने वो सिर्फ रोजी का मसला बना लिया हमें लगा एजुकेशन का मतलब ही ये होता है कि आपने जो है वो पैसे कमाने ये क्यों हुआ ये इस वजह से हुआ कि जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आई तो वेस्ट को ज़रूरत पड़ी ऐसे कारखानों की जिसमें ऐसे रोबोट टाइप इंसान बनाए जाए जो कुछ ना बोल सके ना सुन सके ना उनकी कोई ओरिजिनल थॉट हो वो उनको बस जो बताया जाए वो उस तरह काम करते जाए और उसी तरह उस काम में लगे रहे क्योंकि अब हमें वर्कर फोर्स चाहिए ठीक है अब वेस्ट तो आहिस्ता आता अपने उस मॉडल को रिन्यू करता जा रहा है लेकिन हम लोग चूंकि गुलाम गुलाम है तो हमारे पास उस मॉडल का भी एक और निचले दर्जे का मॉडल मौजूद है जो हम चला रहे हैं और उसकी वजह से हमारी जिंदगी में यानी इतनी डुअलिटीज आ गई हैं कि उनको रेकनसाइल करना मुश्किल हो रहा है कि हमने इस मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम में चलना कैसे क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम सिर्फ यही सिखाता है कि यार तुम नौकरी करो और वो क्या है कि बी ए किया बी ए किया नौकर हुए आ, पेंशन मिली और मर गए ठीक है वो वाली जिंदगी अब हमने गुजारना शुरू की हुई है और इसके अंदर वेस्टर्न सिस्टम जो है वो इस हद तक ये जो कैपिटलिस्ट निजाम है ये इस हद तक मजबूत हो गया है कि डाउन टू योर पर्सनैलिटी टाइप्स डाउन टू द लास्ट डिटेल ऑफ योर पर्सनैलिटी वो उसने फिगर आउट कर ली है पर्सनलिटी टाइप्स के कोई सोलह कहता है कोई बत्तीस कहता है कोई इतनी कहता है उतनी कहता है और वो उसके बाद मुताबिक बताता है कि यार इस तरह की पर्सनैलिटी टाइप का जो इंसान है इससे इस तरह का काम लो एक पर्टिकुलर तरह के इंसान से यानी कोई मिजाज में जो है वो ज्यादा घुसीला है या किसी को क्रिएटिव काम पसंद है या मैथमेटिकल पसंद है उसके मुताबिक उन्होंने टास्क बना दिए ताकि एक इंसान का जो वैल्यू रह गई है ना आज के एजुकेशन सिस्टम में वो उसकी बस फाइनेंशियल वैल्यू है कि इसमें से निकाला कितना जा सकता है इसको एक्सप्लॉयट कितना किया जा सकता है इससे होता क्या है हमेशा एक कम्युनिटी का एक पॉपुलेशन का एक हिस्सा होता है जो हमेशा बेरोजगार रहता है <coughs> और एक हिस्सा होता है जो हमेशा जो है वो इस फिक्र के अंदर रहता है कि यार मैं नौकरी कैसे बदलूं कैसे बेहतर नौकरी करूं आज जो दस हजार की है, वो कल बारह हजार की कैसे करूं इसी के अंदर पूरी जिंदगी गुजर जाती है दिल लरसता है हरीफ फाना कशाकश से तेरा कशाकश कहते हैं हरीफ कहते हैं दुश्मन को ठीक कश है और कशाकश कहते हैं खींचा तानी को यानी लड़ाई को कश यानी फारसी का लफ्ज है यानी कश जो है या कश लगाना सिगरेट का कश खींचना ये वहां से दिल लड़सता है तुम्हारा तो दिल ही जो है वो आ, क्या कहते हैं कांप जाता है जब तुझे पता चलता है कि तुझे किसी से लड़ना पड़ेगा किसी के सामने खड़ा होना पड़ेगा हक बात कहनी पड़ेगी ठीक है क्योंकि तुम्हें लगता है कि तुम सिर्फ मुंह नीचे करो अपनी जिंदगी कमाओ अपने पैसे कमाओ अपने बच्चे पालो अपनी अपने घर में रहो एंड डेथ्स अबाउट इट ठीक है उसके अलावा कुछ और ना करो ये जो हमारे अंदर पैदा हो गई ना एक सिफ्त के हम इन डिफरेंट एपथी एपथी हमारे अंदर पैदा हो गई इन डिफरेंट टू वट इज हैिंग जो सियासत कर रहे हैं करें गंदे अच्छे हमें उससे क्या लेना देना पैसा कमाओ घर आओ रहो ये सबसे बड़ा जो है वो हमारी बीमारियों का बायस है कि हम लोग सोच हम महसूस करना छोड़ गए हमारा दिल जो है वो तड़पना छोड़ गया है अगर जो है वो किसी गरीब के ऊपर कोई मुसीबत आन पड़ती है तो वो उसको रिवाइव करना जरूरी है जिंदगी मौत है खो देती है जब के खराश खराश कहते हैं तंगी को या मुश्किल को कि जिंदगी तो डेथ है वो शख्स मर गया कि जिसकी जिंदगी में ये ऊंच नीच नहीं आई जो ये वाले काम ना कर सका उसको तो उसका तो कोई फायदा नहीं है बतौर आ, उस जीने का कोई फायदा नहीं है उस जुनू से तुझे तालीम ने बेगाना किया उस पैशन से उस जौक से उस कल्ब की ताकत से उस ईमान से तुम्हें इस तालीम ने फारिग कर दिया इससे तुम सोचने से कासिर हो गए जो ये कहता था खिरत से के बहाने न तराश ये वो जुनूए है जो अकल को कहता था कि तुम मेरे सामने एक्सक्यूज बना रही हो मुझे सब पता है मैंने रास्ता तय कर लिया चुप करके मेरे रास्ते पे चलो मतलब इश्क का काम तो ये होता था हमारी कल्ब का काम तो ये होता था ईमान का काम तो ये होता था हमने उसको बिल्कुल ही छुट्टी करा दी है अब वो अकल के जब हम जरिए पर चला रहे हैं तो उससे कुछ हम बेहतर करने की उम्मीद ही नहीं रख पाते हैं कुछ उससे बेहतर हो ही नहीं पाता है फैज फितरत ने तुझे दीद शाही बख्शा अल्लाह तला ने फैज फितरत फितरत यानी नेचर का फैज यानी नेचर का इनाम है कि तुझे दीद शाही बख्शा तुझे शाहीन की आंख दी है दूरअंदेशी दी है तेरी नजर है दुनिया पे ठीक है ये टीचर्स की बात हो रही है तुम देख सकते हो दुनिया में क्या हो रहा है तुम्हारे सामने दुनिया के हकैक है जिसमें रखती है गुलामी ने निहे खफाश खफाश कहते हैं चमगादड़ को ठीक है और ग़ुलामी जो हम लोगों ने अपने लिए अपना ली है गोरे की सिस्टम की उन्हीं के निज़ाम की इसने क्या किया कि हमारी वो शहबाज की आंख को चमगादड़ की आंख कर दिया और चमगादड़ यहाँ पर बड़ा मैं सोच रहा था कल जब तैयारी कर रहे थे कि ने भी क्या सोच के यहाँ पर लिखा होगा हम तो इसको कोरोना वायरस के कोविड नाइन्टीन के वक्त में पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर तो चमगादड़ की सिंबॉजम और भी बढ़ जाती है पहली तो सिम्बॉजम चमगादड़ के ये है कि उसको नज़र तो आता नहीं है वो रात को निकलती है क्योंकि सुबह में जो है वो सोई होती है उसका कोई जो है वो बाहर की दुनिया से काम नहीं होता और रात भी जो है वो उसको नज़र नहीं आता प्रॉपर उसके पास नज़र ही नहीं है दूर देखने की दूसरी चीज़ ये कि ये अजायबात की भी इलामत है क्योंकि ये क्या है ये एक परिंदा है या ये जानवर है ये इसकी क्या साख्त है ये क्या चीज़ है ये भी जो है किसी को समझ नहीं आता और तीसरी चीज़ जो हमारे से रिलेवेंट है कि कोरोना वायरस भी अभी तक जो हमारी साइंस की मालूमत है यही बता रही है कि चमगादड़ों के हमने इंसानों ने चमगादड़ों को जब खाया है या उनसे इंटरेक्ट किया है तो उसकी वजह से फैला है ना तो यहां वो बता ही ये थी तुम्हारे पास शाहीन की आंख दूर तक देखने वाली तुमने उसको गुलाम करके चमगादड़ की आंख कर दी है तुम तो किसी काम के नहीं रहे भाई मतलब क्या तुम इससे देखोगे क्या इससे बेहतरी लेके आ पाओगे जब तुम थोड़ा सा भी जो है वो दूर देखने के काबिल ही नहीं रहोगे मदरसे ने तेरी आंखों से छुपाया जिनको कल मदरसे ने यानी कि आज के मॉडर्न डे एजुकेशन सिस्टम ने यूनिवर्सिटी ने स्कूल ने तुमसे कुछ रियलिटीज छुपाई हैं दुनिया की।, की, 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 की जो ये यानी ये कल्ब की दुनिया की ये एक्चुअली फिजिकल एग्जर्शन की अपने आप को एक ऑलराउंडर इंसान बनाने की जो यानी होलसम इंसान हो वो सिर्फ एक जो है वो कुएं का मेडक ना हो कि वो जिस लाइन में लगा है बस उसमें हो ये वाली चीजें जो तुमसे मदरसे ने छुपाई हैं ये तुम्हें कैसे पता चलेंगी कैसे तुम पे जाहिर होंगी खलवते को हो बयाबा में खलवत कहते हैं सॉलिट्यूड अकेलापन यानी अक, अकेले हो जाने में अकेली जिंदगी या फिर खालीपन या फिर जो है वो साइलेंस खलवते को हो बयाबा को पहाड़ बयाबा सहरा यानी नेचर नेचर में जब आप जाएंगे कल अर्थ डे गुजरा है उससे भी रेलिवेंट के बाद है आप नेचर में जब भी जाएंगे आपके ऊपर वो सब हकीकतें आश्कार होनी शुरू हो जाएंगी जो आपसे मदरसे ने छुपाई हुई होंगी आप समझ रहे हैं इस बात को कि वो सारी चीजें जो अल्लाह ताला के फितरत के करीब हैं जो फितरत के कवानीन के करीब हैं वो खुद ब खुद आपके सामने खुलती चली जाएंगी आप कहेंगे कि ये वो जो है वो खूबसूरत चीज़ है जो मैं जिंदगी में करना चाहता हूं या समझना चाहता हूं इधर फितरत के मकासद भी बाय द वे दो हैं मैं समझ रहा हूं कि हमारे लेक्चर्स जो है वो काफ़ी ज्यादा इनमें थोड़ी डेंस बातें भी हो जाती हैं लेकिन अब हमने कंप्लीट भी करना था कि फितरत शनासी यानी फितरत के करीब होने में दो क्वालिटीज़ जो इकबाल के पेश नज़र है उनमें एक तो है सादगी कि बड़ी इट रियालिटी इज़ वेरी सिंपल ठीक है इट्स सिंपल एंड इट्स ब्यूटिफुल आप देखते हो मतलब एक अगर इंसान और आई डोंट नो आप में से ये कितनों का एक्सपीरियंस है अगर कोई शख्स जंगल में जाता है किसी में या कोई ऐसा फॉरेस्ट है बना हुआ या बड़ा दरख्तों का रास्ता है पहाड़ों में है और आप वहां पर अगर अकेले होते हैं तो कुछ देर में आपको उस वहां पर जो खामोशी छाई होती है आपको उस वो खामोशी ही खौफ दिला देती है कि आपको लगता है आप एक बड़ा क्या कहते हैं किस्म का एहसास होता है कि यहां तो कोई है आप समझ रहे हैं इस बात को तो ये जो होने का एहसास है वो तब उसके होने का एहसास होता है कि यहां वाकई कोई है मतलब सिचुएशंस इन विच यू मूव टू टीयर्स आप वाटरफॉल्स देखते हैं या आप सहरा के अंदर इस तरह के कभी कभी मनाजिर देख लेते हैं कि जिसके बाद आप कहते हैं यार ये दुनिया कैसे एग्जिस्ट कर रही है और हमारे तो सोच में नहीं आ सकती किसी को खास तौर पे कभी किसी को स्कूबा डाइविंग का एहसास वो एक्सपीरियंस हुआ हो या किसी ने ऊपर आसमान से जो है वो पैरा ग्लाइडिंग में या पैरा जंपिंग में दुनिया देखी हो तो उनके व्यू पॉइंट ही बदल जाते हैं पहाड़ किसी ने सर किया हो तो उसका जिंदगी को देखने का तरीका ही बदल जाता है और ख़लत कोहो बयाबा में वो असरार है फाश यानी ये जो सारे राज हैं ये सारे तुम पर नेचर में जाकर खुल जाएंगे और इसके लिए ज़रूरी है कि मतलब आप अपने दिल को अपनी ख्वाहिशात का ये डॉक्टर मुहिन निज़ामी साहब का जुमला है मैं उनकी इजाज़त से उनसे चोरी कर रहा हूँ कि ना अपने दिल को आप अपना अपनी ख्वाहिशों का कब्रिस्तान बनाइए और ना ही आप जो है वह उसको ख्वाहिशों का गोदाम बनाइए ना तो सारी ख्वाहिशें मार दें ना ही सारी ख्वाहिशें जमा कर लें एक बैलेंस लेके आए ठीक है मयाना रवि जो हमारे आगे बढ़ने का हमारे तरीके कार का जिंदगी गुजारने का तरीका है उसके ऊपर आए मिडिल पाथ के ऊपर आए हम जो है वो आखिरी नजम पर आ गए हैं जी तालीम तरबियत में जावेद से या जावेद से ये नज्म है जो अलामा ने अपने बेटे जावेद इकबाल के नाम लिखी है आ, इसके अलावा जावेदनामा अलग है फारसी में जिसके अंदर अंदरमा की बड़ी खूबसूरत पूरी की पूरी इमेजरी है जिसमें वो जन्नतों का सफर करते हैं और हमें बहुत सारे जिंदगी के हक से बताते हैं उसमें आखिर में खिताब बा जावेद करते हैं यानी अपने जावेद से बात करते हैं तो ये अगर हमें ये जावेद से ये सिर्फ तीन नजमों के पार्ट्स हैं ये अगर हमें तीन समझ आ गए मैं इनको तीनों को पढ़ देता हूं और इस पर फिर जनरल डिस्कशन कर लेंगे फिर आपके क्वेश्चन आंसर्स फिर हम साथ साथ ले लेंगे कि इसके ये आपने अगर वो नहीं भी पढ़ा एक तो अगर किसी ने नहीं पढ़ा तो ज़रूर उसको पढ़िए उसको समझिए फारसी के तर्जु के साथ प्रोफेसर हमीदुल्ल हाशमी के तराजम जो है वो बेहतरीन है लेकिन ये ये जो अब हम नज्म पढ़ने जा रहे हैं ये जावेद नामा की रूह है ये वो खिताब बा जावेद की रूह है और पर्टिकुलरली जो इस वक्त हमारी मतलब आप लोग ऑडियंस के अंदर पर्टिकुलरली जो तीस साल से कम उम्र के लोग बैठे हुए हैं ना ये आप लोगों के लिए सबसे ज़्यादा रेलिवेंट चीज़ है ठीक है कोई भी आपसे अगर पूछता ना कि खुद ही क्या है या कैसे डेवलप करूं या मैं आज के जमाने में खुद ही पे कैसे चलूं या ये तो सिर्फ किताबी बातें नहीं हो गई हैं सिर्फ किताबों में नहीं रह गई इकबाल तो बस पता नहीं इधर उधर की छोड़ते रहते थे उसके अलावा कोई बात नहीं करते थे ये इन सारी चीजों से बचने का तरीका क्या है और उसमें आगे बढ़ने के लिए अलामा इकबाल ने तरीका क्या बताया ये जावेद से बात कर रहे हैं यानी अपने बेटे को नसीहत करके जा रहे हैं कि क्या करना है और अपने बेटे के जरिए से आप समझ लें हम सबको ये बता के जा रहे हैं हमने करना क्या है हमने अगर अपने आप को इंसान का बच्चा बनाना आगे बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा पढ़ते हैं जी ये तीन हिस्से तीन नज्मों के यानी तीन पार्ट्स में उन्होंने खिताब किया है। मैं पूरा तीनों पढ़ लेता हूं और मुश्किल अल्फाज कोशिश करूंगा कोशिश करेंगे कि साथ साथ देखते जाए गारत गरे दी है जमाना गारत गरे दी है ये जमाना है इसकी निहाद काफिराना दरबार शहनशाही से खुश तर मरदान खुदा का आस्ताना लेकिन ये दौरे साहिरी है अंदाज है सबके जादुवाना, सर चश्म जिंदगी हुआ खुशक, बाकी है कहां मैं शबाना खाली उनसे हुआ दबिस्ता थी जिनकी निगाह ताजियाना जिस घर का मगर चिराग है तू है उसका मजाक आरिफाना, जौहर में ला इला तो क्या खौफ तालीम हो गो फरंगी आना दोबारा पढ़ देता हूं जौहर में ला अला हो जौहर में ला अला हो तो क्या खौफ तालीम हो गो फरंगी आना फरंगी अंग्रेज को कहते हैं जितनी मर्जी अंग्रेजी तालीम हासिल कर लो अंदर लाए लाए तो कुछ नहीं होगा शाह के गुल पर चहक व लेकिन कर अपनी खुदी में आशी आना वो बहर है आदमी के जिसका हर कतरा है बहरे बेकर आना ह अगर न हो तनासा हर दाना है सद हजार दाना और इसके आखिर में एक फारसी का शेर है ये आ, एक निजामी ही एक शायर गुजरे हैं परजिया के उनके शेर यहां पर लिए हुए गाफिल, गाफिल मनुषी न वक्त बाजीस्त वक्त हुनर अस्त तो खार साजिश और इसके भी अब हम तर्जुमे पर इसके बाद आ जाएंगे दूसरा पार्ट आ गया जी नजम का सीने में अगर न हो दिल गर्म रह जाती है जिंदगी में खामी सीने में अगर न हो दिल गर्म सीने में अगर न हो दिले गर्म रह जाती है जिंदगी में खामी नखचीर हो नखचीर अगर हो जीरको चुस्त आती नहीं काम को न दामी है आब हयात इसी जहां में शर्त इसके लिए है तिश्ना कामी गैरत है तरीकत हकीकी गैरत है तरीकत हकीकी गैरत से है फक्र की तमामी ये फक्र की बात है ये इसमें गैरत है गैरत इसका सबसे बड़ा एलिमेंट ए जाने पद, ए जाने पिदर नहीं है मुमकिन शाही से तदरव 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 की गुलामी तदरों की गुलामी ये मुझे प्लीज बता दीजिएगा कोई कि इसकी सही प्रोनन्सिएशन क्या है मैं गलत हो जाता हूं इसमें बार बार नायाब नहीं मताए गुफ्तार सद अनवरियो हजार जामी है मेरी बसात क्या जहां में बस एक फुहान जेर ज़ेर बामी एक सिद्क मकाल है कि जिससे मैं चश्मे जहां में हूं गिरामी अल्लाह की देन है जिसे दे मीरास नहीं बुलंद नामी अपने नूरे नजर से क्या खूब फरमाते हैं हजरत निज़ामी जाए के बुजुर्ग बायदत बूत फर फरजंदिय मन नदारत सूत ठीक है अब इसका हम तीसरा पार्ट भी साथ पढ़ लेते हैं मोमिन पे गिरा है ये शबो रोज दीन और दौलत केमार बाजी नापैद है बंद अमल मस्त बाकी है फकत नफस दराजी हिम्मत हो अगर तो ढूंढ वो फक्र जिस फक्र की असल हो हिजाजी उस फक्र से आदमी में पैदा अल्लाह की शान बे न्याजी को हमाम के लिए मौत है उसका मकाम शाहबाजी रोशन उससे खिरद की आंखें बेसुरमा अबू अली और राजी हासिल उसका शिको है महमूद फितरत में अगर न हो अराजी तेरी दुनिया का ये सराफील रखता नहीं जौके नए नवाजी है इसकी निगाह आलम आशोब है इसकी निगाह आलम आशोब दरपरदा तमाम कार साज़ी ये फक्रयूर जिसने पाया सना है मर्द गाजी मोमिन की इसी में है अमीरी अल्लाह से मांग ये फकीरी ठीक है ये अल्लामा ने हमारे सामने पूरा प्लान ऑफ एक्शन दे दिया पूरा प्लान ऑफ एक्शन दे दिया तुमने एक्चुअली करना क्या है जिससे तुम्हें जो है आज की रियलिटीज भी समझ आ जाए और जिससे तुम्हारे लिए आगे बढ़ना जो है वो आसान भी हो जाए आज का जो जमाना है ना अब यह लामा ना लामा जो है वो डेंजरस जोन के अंदर दाखिल होते जा रहे हैं क्योंकि अब जाहिर बात है फिक्र नहीं रही है ना किसी भी और चीज की अब तो क्लियर छाप है कि मुसलमान है ईस्ट के शायरे ऐसी की तैसी फेर देंगे दुनिया के बाकी तमाम निजामों की वो कह रहे हैं कि आज का जो जमाना है इसमें दीन मर चुका है और सिर्फ मर नहीं चुका ये जो जमाना क्रिएट हो गया ये ऐसा जमाना है कि ये हमेशा दीन को मार के ही रखेगा इसकी एसेंस में आज के जमाने में ही एसेंस में ही कुफर हुआ है है बंधा हुआ है। हम आज के जमाने के अंदर एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि दीन के मुकम्मल नशोनुमा हो सकती है क्योंकि ये जो कैपिटलिस्ट निजाम है पर्टिकुलरली इसने तो दुनिया की कोई चीज नहीं छोड़ी चूंटी से लेकर जो है वो पहाड़ तक जिसको एक्सप्लोइ करना ना जानते हो यानी कहीं पर रेवोल्यूशन आ रहा हो लोग इकट्ठे हो रहे हो वो उसको भी जो है वो एक्सप्लॉयट कर लेते हैं उसमें भी अपनी मर्चेंडाइज बेच लेते हैं उसके मुताबिक भी अपने ट्रेंड्स बेच लेते हैं दुनिया में अब हमने लास्ट टाइम भी ये बात की थी कि अब ट्रेंड आ रहा है ये माइंड हमारा खुलना शुरू हुआ है इन्फॉर्मेशन एज के बाद तो लोग ज्यादा लेट से मेडिटेशन की तरफ और इन चीजों की तरफ जा रहे हैं तो मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स उजागर हो रहे हैं चीजें नजर आ रही है जितने दुनिया के बड़े ब्रांड्स आपको मिलेंगे वाली चीजें पकड़ के इनके ऊपर अपनी एडवर्टाइजमेंट बनाना शुरू कर देंगे तो यानी ये या हर चीज तो बेच खाई है इन्होंने तो मतलब पीछे बचेगा क्या जब दीन भी इन्होंने इसी तरह से बेच खाया दरबार शहनशही से खुशतर यानी एक दरबार एक हुकूमत करने से आपके पास ताकत होने से या आपको किसी ताकत वाले के पास बैठने से वजीर आजम या वजीर मुमलिकत या एम एन ए या एम पी ए या सेनेटर या इस तरह के किसी शख्स के पास बैठने से कि आपको लगता है ना हम इनके पास इन लोगों से इसलिए मिलते हैं कि ये हमारा काम कर देते हैं ठीक है हमारे काम आते हैं लेकिन इन लोगों के पास बैठने से बहुत बेहतर है कि तुम कहां बैठो मर्दान खुदा का आस्ताना वो जो मर्दान खुदा मर्द खुदा वो मर्द मोमिन वो जो मर्द हक है वो जो खुदी से सरशार है वो जो पाक दिलो पाक बाज है वो जो इश्क से सरशार है वो सारी ताकतों वाला जो अल्लाह का वली इंसान है उसके दर पे बैठो आस्थाना दर कहते हैं उस जगह को कहते हैं जहां से ये रूहानी तालीम हासिल की जाती है उनसे मिलो उनसे समझो वो बेहतर है असल चूंकि तुमने अल्लाह मियाँ के हाँ तो अपना ये कल्बे सलीम लेके पहुंचना है ना कि ये मैंने बचा के रखा था तो वो तुम्हें वही वही इंसान वो बचा सकता है अदरवाइज तो मतलब हम लोग वरना दुनिया में गिनते रहते ना कि हमने क्या खोया क्या पाया क्या बचा लिया ये कोई भी बचत नहीं की हमने कि हमने जो है वो दो पैसे इधर बचा लिए या ये चीज कम की हमने खरीदी थी ज्यादा की बेचती ये नहीं है हमारी असल मता असल मता तो ये कलब सलीम है जो वो मरदान खुदा ने हमें सही करके देना था लेकिन आज के दौर में जितनी जादूगरी है आप जिधर देखो हर शख्स जो है वो अपना एक नया शहर लेके बैठा हुआ है इतनी गुमराही के रस्ते हैं इतनी ज्यादा आसानी से गुमराही फैल जाती है उसके फैलने के चांसेस बढ़ जाते हैं कि हमारे लिए ये देखना जो है वो मुमकिन नामुमकिन हो जाता है कि असलियत क्या है और गलत बात क्या है सरचश्मा जिंदगी हुआ खुश्क सरचश्मा कहते हैं कोई चीज जिसके अंदर से एक्चुअली पानी निकल रहा हो या किसी चीज की जिंदगी निकल रही हो तो यानी जिंदगी का जो चश्मा है जहां से एक्चुअली उसका पानी निकलना था वो खुश्क हो गया है क्यों बाकी है कहां मए शबाना मैं, मैं कहते हैं शराब को शबाना कहते हैं रात को रात की वो शराब यानी वो रात की आहोजारी वो रात को उठकर खड़े होकर सजदों में गिर के अल्लाह से मांगना गिड़ गिड़ाना जो सुबह में जो है वो अपना ताकतवर दिल लेकर दुनिया के सामने फैल रहे थे वो रात को जो गिड़ गिड़ा कर गिर जाते थे वो किधर गए हैं सारे लोग भाई वो आ, जब इश्क सिखाता है आदाब खुदा गाही, खुलते हैं गुलामों पर असरार शहनशाही अतार हो रूमी हो राजी हो ग़जाली हो कुछ हाथ नहीं आता बे आहे सहर गाही वो आहे सहर गाही किधर गई वो जिसकी मिराज जो है वो फजर के वक्त जाकर शहर के वक्त पहुंचती थी शहर से पहले की रात का जो वक्त होता था वो जो आहुजारी थी अल्लाह मियाँ के करीब नाला था वो नाला नीम शब था वो कहाँ गया मेरे नालाय नीम शब का न्याज मेरी जिंदगी की मेरी जिंदगी की अंजुमन का गुदाज मेरे ख्याल से है वो वो कहाँ है वो नहीं होगा तो तुम्हारे अंदर ताकत नहीं पैदा हो सकेगी क्योंकि वो एक रिवायत भी है ना जिसके मुताबिक अगर तुम्हें कोई वाकई कोई चीज़ चाहिए है जिंदगी में कोई चीज़ तुम पाना चाहते हो और तुम उसके लिए तहजद नहीं पढ़ते हो तहजद की नमाज नहीं पढ़ो तो तुम सीरियस ही नहीं हो उसको हासिल करने के लिए क्योंकि ये वो वक्त है ना जिसमें अल्लाह ताला उतर के तुम्हारे पास आ गए हैं नीचे तरीन तक आपके पास आ पहुंचे हुए और हम उसको उसको उसका फायदा ही नहीं उठा पा रहे हैं ठीक है तो हम सीरियस ही नहीं है जो हम एक्चुअली करना चाह रहे हैं अगर हम कोई चेंज चेंज देखना चाह रहे हैं अपनी पर्सनलिटी में ही, अपने इर्द गिर्द और उसके लिए तहज्द नहीं पढ़ रहे हैं तो हम किस किस्म की चेंज चाह रहे हैं वो तो मतलब फिर हम अपने आप को धोखा ही दे रहे हैं ना खाली उनसे हुआ दबिस्तान थी जिनकी निगाह ताजियाना दबिस्तान कहते हैं स्कूल को या यूनिवर्सिटी को दरस को कि वो स्कूल में से वो लोग वो टीचर्स ही चले गए जिनकी निगाह इतनी तेज़ ताजियाना तेज़ को कहते हैं कि इतनी तेज़ होती थी कि वो लोगों पर बच्चों पर नजर डालते थे शागिरदों पर और शागि झूम उठते थे कि यार हमारे टीचर ने हमें बदल दिया हमें ऐसा टीचर मिला ऐसा उस्ताद मिला जिसने हमें बदल के रख दिया वो रहे ही नहीं वो कम कमयाब लोग और ये सौ साल पहले कह रहे हैं सोचे आज की क्या हालत होगी अल्लाह अकबर जिस घर का मगर चराग है तू है उसका मजाक आरिफाना कि तू जावेद के कह रही है तू जिस घर से ताल्लुक रखता है ये अल्लामा की नस्ल से अल्लामा के जो जिस घर से आपका ताल्लुक है इसका मिजाज या इसका मजाक मजाक से मुराद मिजाज होती है आरिफाना आरिफाना वही कि वो वजदान के ऊपर बिलीव करने वाले वो कल्ब की ताकत में बिलीव करने वाले अपने आप को जो है वो जोहद के अंदर पाकिजगी में लगाने वाले ज़िक्र फिक्र करने वाले मराकबे करने वाले अपने आप को दुनिया से अलग करके पाक करके फिर अपनी जो बेहतरी है वो दुनिया के सामने रखने वाले ये आरफाना मिजाज ये अलामा के वालिद में भी था और उनसे पहले उनके ख़ानदान में चलता भी आ रहा था तो ये तमाम चीज़ ये यहाँ पर प्लीज़ शोर कम करें ये सारा का सारा जो है वो मिजाज आपको उनके पूरे उसमें उनकी ज़िंदगी के काम में मिल जाता है अच्छा जी ये उनके घर का मिजाज आ गया जौहर में ला इला तो क्या खौफ तालीम हो गो फरंगी आना तुम जिस मर्जी यूनिवर्सिटी में पढ़ो भाई बेहतर से बेहतर में जाओ हार्वर्ड जाओ मेडिकल में बेहतर करो तुम बाहर जिधर ऑक्सफर्ड जा सकते हैं जो शख्स उधर चले जाए यानी दुनिया की बड़ी से बड़ी दस तक पहुंचो जितना मर्जी अंग्रेजी इल्म हासिल करना है हासिल करो और बेहतर है कि ज्यादा से ज्यादा हासिल करो जब तक तुम्हारे दिल के अंदर ला इला जो है वो सेव हुआ हुआ तब तक तुम्हें किसी प्रॉब्लम का और मसला नहीं है तुम जो है वो किसी चीज से जो है वो घबराने की जरूरत नहीं है। जब तक तुमने ला इला अपने दिल में सेव रखा है वो ना हो जाए कि ए ला इला के वारिस बाकी नहीं है तुझमें किरदार किरदारा तेरी निगाह से दिल सीनों में कांप जाते थे आ, सीनों में कांपते थे, थे खोया कया है तेरा जज्बे कलंदराना यानी वो अपना हमने ला इला मजबूत रखना है अपने जो कल्ब की सफाई है ला इला से ला इला के जिक्र से वो उसको उसमें जारी रखनी है शाख गुल पर चहक व लेकिन कर अपनी खुद ही में आशियाना शाख गुल यानी फूल की जो शाख है जहाँ से फूल निकल रहे उस पर चहको यानी परिंदे की तरह वहां जाओ वही कि महफिल गर्मी है महफिल बनो महफिल का गुदास बनो लोगों की लोगों के साथ हंसी मजाक करो लेकिन कर अपनी खुद ही में आशियाना अपना जो घर बनाओ वो अपने अंदर बनाओ अपने आप की बेहतरी में बनाओ अपनी सेल्फ डेवलपमेंट के अंदर अपना लगाओ वही तुम्हारा एक रास्ता है इससे निकलने का वो बहर है आदमी के जिसका हर कतरा है बहरे बेकराना कि आदमी जो है वो एक मुसलसल जिसके अंदर आ, आ, जिसकी मौजें बार बार निकल रही है इंसान ये क्या कहते हैं खुद ही उसके अंदर से आपको मिल रही है एक एक कतरे के अंदर जो है वो आपको सीखने के मिलेगा अगर आपने जो है वो अपने आ, ला इला को आपने मजबूत रखा हुआ होगा दहकान अगर ना हो तन आसान दहकान कहते हैं किसान को तन आसान के अगर वो बैठ नहीं गया वो मेहनत करने वाला है हर दाना है सद हजार दाना सद कहते हैं सौ को कि अगर एक किसान भी अपनी मेहनत पूरी करता है यानी हमसे मुराद है अगर हम अपनी जिंदगी में मेहनत अपनी करते रहे ना तो वो दिन आएगा कि हमारा एक दाने से एक एक सौ हजार और दाने बन जाएंगे सद ह, एक सौ को कहते हैं यानी बेशुमार और दाने बन जाएंगे जिसका कहने का मतलब यह कि अगर हम अपने आप को किसी चीज में मकसद किसी चीज में बेहतर करते जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे लिए आसान हो जाता है वो काम करना जितना ज्यादा आसान हो जाता है काम करना उतना हमें उसका ज्यादा फायदा होने लग जाता है गाफिल मनशी न वक्त बाजीस्त कि तुम इस वक्त गाफिल ना बैठो ये तुम जो बैठे हुए हो अब हर चीज की दुनिया की फिक्र छोड़ के इस तरह ना बैठो कि वक्त बा, न वक्त बाजीस्त कि यह खेलने कूदने का वक्त नहीं है बाजी लगा दिए इधर उसके साथ खेल रहे हो ये खेलने कूदने का, का वक्त नहीं है वक्त हुनर तो कार सा सीखने का वक्त है ये अपने अंदर वैल्यू पैदा करने का वक्त है ये कुछ क्रिएट करने का वक्त है वो चाहे कंटेंट हो अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट हो वैल्यू डेवलपमेंट हो लेकिन अपने आप को पर्सन ऑफ वैल्यू बनाने का वक्त है ये अलामा जो है वो निजामी के अल्फाज में मैं बता रही क्या इतना क्लियरली जो है वो पूरी बात उन्होंने हमारे सामने रख दी हुई है और अब जो है वो इसका आखिरी दो को बस जल्द इसके साथ बस पूरा कर देता हूं कि आपके दिल में जो है वो अगेन के दिल की गर्मी जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी काम है गैरत है तरीक़त हकीकी गैरत है फक्र की तमामी कि ये जो गैरत है ना खुददारी किसी के आगे ना झुकना हाथ ना फैलाना किसी से ना मांगना इसके अंदर है तुम्हारी असल ताकत गैरत को मजबूत करो ठीक है ये भीख मांगना इससे मांगना उससे मांगना ये जो हमारा मिजाज बन गया इस मिजाज को तोड़ो कुछ अपना पैदा करो कुछ अपने ऊपर लगाओ जितना घर से ले रहे हो कोशिश करो एक रुपया उससे कम ले लो और कुछ जो है वो उससे बेहतर करके दिखा दिखा सको कुछ अपना क्रिएट कर सको इसके अंदर जो है वो जिंदगी लगाने की जरूरत है क्योंकि जब वो गैरत आएगी वो गैरत है सबसे बड़ी क्वालिटी फक्र की ठीक है फख्र जो हजरत मोहम्मद वसल्लम की क्वालिटी है यानी जिसके मुताबिक हमने इश्क डेवलप करना है अपने अंदर ये आइडिया डेवलप करना है कि चाहे दुनिया में जो कुछ भी हो रहा हो उससे हमारे दिल पर कोई असर ना पड़े जितनी मर्जी आसाइशें आ जाए ये गैरत से आएंगी और फिर अकबाल बताते हैं कि मेरे जैसे तो और दुनिया में बहुत सारे जो है वो शोराज दुनिया में मशहूर हैं मौजूद है मेरी कौन सी ऐसी कोई बात है अनवरी जैसे लोग हैं जामी जैसे लोग हैं हां लेकिन एक बात जिस वजह से मेरी इज्जत होती है वो सिर्फ ये बात है कि मैं सच बोलता हूं कि आ, क्या है आ, एक सच के मक, एक सच के मकाल है कि जिससे मैं चश्मे जहां में हूं ग्रामी जो कहता हूं सच कहता हूं इस वजह से मेरी इज्जत होती है यानी एक बाप अपने बेटे को बता रहे ना मैंने कोई मैंने कोई इधर महल नहीं बनाए तुम्हारे लिए गाड़ियां नहीं छोड़ के जा रहा ये मैं छोड़ के जा रहा हूं कि मैं सच बोलता था अल्लाह की देन है जिसे जिसे दे है बुलंद नामी ये कि किसी का बड़ा नाम हो जाना ये अल्लाह की देन है ये ऐसे नहीं है मीराश के आपको मिल जाए आप समझ रहे हैं कि मतलब एक अगर कोई साहब पीर हुए और वो अगर वफात फरमा गए तो उनका बेटा गद्दी नशीन हो गया इससे ये नहीं होगा कि वो भी उतना ही मशहूर हो जाएगा अल्लाह जिसे चाहेगा मशहूर करेगा जिसे चाहेगा नहीं देगा और हजरत निज़ामी जो है उन्होंने अपने बेटे को इस बारे में क्या कहा जाए के बुजुर्ग बायदत बूद कि तुम अगर बड़ा बनना चाहते हो ठीक है बड़ा आदमी बनना चाहते हो इस दुनिया में कुछ करके दिखाना चाहते हो फर्जंदी मंद सूद कि तुम्हें यह बात कि तुम मेरे बेटे हो यह बिल्कुल भी काम नहीं आएगी आप समझ रहे हैं शायद इस दुनिया में आपको दो चार पैसों के लिए काम आ जाए कोई आपको सलाम कर ले आप फलां के बेटे हैं आप फलां के रिश्तेदार हैं आप फलां के ये लगते हैं फलां के वो लगते हैं लेकिन जहां असल में मैटर करता है ना जिसके सामने जिसकी बारगाह में मैटर करता है वहां पर जो है वो ये नहीं देखा जाएगा आप किसके बेटे हैं और किसके नहीं है बेटे वहां आप ही का काम देखा जाएगा वहां आप ही की मेहनत देखी जाएगी उसी को मजबूत करने की हमें जरूरत है और ये आज का जो मोमिन है हम जैसा हम आज के इस दौर से अब मुतनफर हो चुके हैं इससे हम अब बेजार हो चुके हैं जिसमें हमें नजर आ रहा है कि ये जो दीन और दौलत है यानी दीन भी और दुनिया भी यानी आ, इस्लाम भी और हुकूमत भी यानी मजहब भी और हुकूमत भी दोनों चीजों में जुआ लग रहा है दोनों चीजों को बेच के खाया जा रहा है इतना घटिया हाल हो चुका है नापैद है बंदा ये अमल मस्त कि वो बंदा जो एक्चुअली कैरेक्टर वाला हो जो हर वक्त कोई ना कोई काम करे वो तो हमें नजर ही नहीं आता बाकी ये फकत नफस दराजी सिर्फ वो लोग हैं जो हाँ वक्त गुजारते जा रहे हैं आगे से आगे बढ़ते जा रहे हैं आ, हिम्मत हो अगर तो ढूंढ फकर, फकर असल है हिजाजी वो वाला फकर ढूंढो अपने अंदर अपने अंदर वो वाली फकर की क्वालिटीज पैदा करो यानी दुनिया से हटने की अपने आप को अलग करने की जो हिजाजी है यानी जो मक्का मदीना से आएंगे यानी जो अल्लाह और उसके रसूल अलैहिस्सलाम ने हमें भेजी हुई है उन क्वालिटीज को अपने अंदर पैदा करो उस उन क्वालिटीज को पैदा करोगे तो तुम अल्लाह की वो जो शान बेनियाजी है उधर तक पहुंच सकते हो कि तुम तुम्हें लगे कि हाँ मेरे लिए ये चीजें मैटर नहीं करती ये सिर्फ तभी है कि जो सीधा रास्ता है वो जो डायरेक्ट लाइन है अल्लाह और उसके रसूल की उन तक जो है वो उन तक तुम जो है वो अपना रास्ता हासिल करो कुंजिश को हमाम के लिए मौत ये कुंजिश को हमाम दोनों परिंदे आपके ये क्या नाम है चिड़िया और कबूतर यानी ये जो छोटे छोटे परिंदे हैं ठीक है कमजोर परिंदे हैं इनके लिए मौत इनके लिए मौत है वो फक्र जो आपको मिल जाए उसका मकाम शाहबाजी वो तो ऊपर उड़ने वाला शाहबाज है ईगल है जिसने सबसे आगे निकल जाना है और इसके लिए आपको कोई जो है वो अगर आप अपने अंदर फक्र पैदा कर लो तो ना आपको जो है वो आ, महमूद यानी महमूद गजनवी जो था ना आपको उसकी जो दौलत या हुकूमत है उस पर जो है वो आपको रिलाई करने की जरूरत है ना आपको बुअली सीना के और राजी के फलसफे पे उनकी हिकमत के ऊपर आपको रिलाई करने की जरूरत है आपके अंदर पैदा होना शुरू हो जाते अगर वो अयाजी जो है वो एक प्यार का जज्बा जो है बंदगी का जज्बा जो है अल्लाह ताला के सामने बंदगी का जज्बा अगर आपके अंदर आ जाता है बाकी तमाम उसका हिस्सा खुद बखुद बनने शुरू हो जाते हैं तेरी दुनिया का यह सराफील रखता नहीं जौके नए नवाजी इसराफी जिन्होंने सूर फूक रहे हैं ना सूर्य इसराफी हमने शुरू में बात की थी जरबे कलीम का दूसरा नाम सूर्य इसराफील कि ये क्यामत की कॉल आ गई है तो उसमें क्या है कि मैं नए बजाकर लोगों को खुश नहीं कर रहा है यहां पर बैठा कि जनाब क्या होगा दुनिया में और वो, वो सॉरी नए सुनो और फन बराए फन बस गिटार बजा रहा हूं और दुनिया लोग सुन के कह रहे हैं या गजल लिख रहा हूं लोग सुन के कह रहे हैं वाह भाई क्या लिखा ये मेरा काम नहीं है मैं सूर सराफील बजा रहा हूं मैं लोगों को याद दिला रहा हूं क्यामत आने वाली है अल्लाह के बंदो सीधे हो जाओ अपने रस्ते सीधे कर लो अपने आप को पहचान लो अपनी खुद ही बेहतर कर लो अपने आप को डिस्कवर कर लो है उसकी निगाह निगाह आलम आशोब वो बंदा जो है वो फिर पूरा दुनिया तबाह कर सकता है पूरी दुनिया के ऊपर उसकी नजर होती है पूरी दुनिया में वलवले क्रिएट कर सकता है जिसके जो जिसके अंदर जो है ये फक्र सारा का सारा उसकी एक्टिविटी चला रहा हो ये फक्र फकर्रयूर जिसने पाया बेतगो सना है मरद गाज़ी बेतैग सना क्या कहते हैं तय तलवार और सना ढाल के तलवार और ढाल के बगैर भी ये बंदा मर्द मोमिन है मर्द गाजी ये मुजाहिद है इसके पास कोई चीज ना भी हो आ, तो भी ये लड़ेगा क्या कहते हैं कुफर से वो क्या है आ, काफिर हो तो शमशीर पे करता है भरोसा मोमिन वो तो बेत भी लड़ता है सिपाही वो वाली तुम्हारे अंदर जो है वो ताकत आ जाएगी मोमिन की इसी में है अमीरी अल्लाह से मांग ये फकीरी कि तुम इसी तरीके से अमीर हो सकते हो कि तो अपने आप को अल्लाह के सामने सीधा करके रख लो और अल्लाह के सामने अपनी ये बात बड़ी क्लियरलीजा के तौर पर दुआ के तौर पर अल्लाह के सामने रख दीजिए कि अल्लाह आपने ही मेरे ऊपर ये इनायत करनी है आपने ही मुझे ये मेरी खुदी तक पहुंचाना है आपने ही मेरे इश्क का जो जज्बा है वो मेरे लिए बेहतर करना है तो लिहाजा मुझ पर रहम फरमाइए मुझ पर करम फरमाइए मुझको अपने चुने हुए बंदों में से कर लीजिए जो कि आपके रस्ते पर चलने वाले हों जिस रस्ते से दुनिया में प्यार मोहब्बत अखुवत फैलाई जा सके जिस, जिस रस्ते पर चल के जो है वो दुनिया में हक और बातिल का मार का हक के लिए जीता जा सके जिस रस्ते पर चल के ऐसा निज़ाम तालीम कायम किया जा सके जो इंसान को स्ट्रॉन्ग भी बनाए स्मार्ट भी बनाए सेंसिटिव भी बनाए जो अकल भी तेज करे जिस्म भी तेज करे दिल को भी जो है वो सुकून पहुंचाए रूख को भी सुकून पहुंचाए ये सारे रस्तों पर अल्लाह हमें चलने के लिए आसानी फरमा दीजिए आगे का रास्ता हमारे लिए आसान फरमा दीजिए उम्मीद करते हैं कि इंशाला अब हम रमजान में भी जिस तरह आप आगे जा रहे हैं तो ये हमारे रमजान से भी जो है वो लेसन रिलेट करते जाएंगे और हमारे लिए मौका बनता जाएगा कि हम ये अलामा के अंदर ही डूब के कुरान के साथ साथ इससे जो है वो ऐसी चीजें सीख सकें जो हमारे आगे काम आ सके बिफोर आई मूव ऑन टू अब सिर्फ एक जो है वो लास्ट चीज मैंने ये कहना चाहता था कि इन अगले हफ्ते से हम शाम को साढ़े सात बजे क्लास किया करेंगे सेवन थर्टी बिकॉज सात बजे जो है वो अक्सर जगहों पे अवतार का वक्त होगा तो इनशाला अवतार के बाद आराम से फरागत होने के बाद साढ़े सात बजे हम अपना ये आ, क्लास शुरू किया करेंगे बिस्मिल्ला जी अब मैं यहां से पढ़ना शुरू करता हूं कमेंट्स जो भी साथ साथ है तोहज के वक्त अल्लाह से कुर्बत को का वो एहसास होता है जो किसी और पहर नहीं मिलता मा ने इसे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया ठीक है जी बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं बहुत शुक्रिया जाहिदा साहिबा गुड टीचर्स आर स्टिल हेयर आयशा शेर फरमा रही हैं बिल्कुल ठीक कह रही है आ, ये मैं इस वजह से ये वाली बात कहना चाह रहा हूं क्योंकि कोई काबिल हो तो हम शान कई देते हैं ढूंढने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं ढूंढने की बात है ना और ये शान कई भी जो है वो कई कबीला जो टर्किश कबीला है जिस पर वो इग्र ड्रामा भी बना हुआ है उसकी अलामा ने यहाँ पर ये मिसाल दी थी अपने जवाब शिकवा में तो ढूंढने से मिलेंगे और ये टीचर्स मौजूद हैं और लोगों के पास ऐसे लोग हैं जिनके पास जाते हैं जिनसे इस्तेफाद नजर होते हैं जिनकी वाकई आपसे कोई और गर्ज नहीं होती इसके कि आप सीधे रस्ते पर आ जाए ऐसे लोग ऑल दी आंसर्स टू कपलेट्स बिल्कुल दुरुस्त रहे हैं सर ये इतनी खूबसूरत फलसफिया परामा कर गए बहुत सारी चीजों का जो है वो तोड़ और निचोड़ इकट्ठे इस एक किताब के अंदर जो है वो मौजूद है सेल्फ रियलाइजेशन इज फाइंडिंग योर सेल्फ सीक अटेंशन टू योर सेल्फ यू शुड नॉट ट्राई टू लुक गाइडेंस इन दिस मैटर आ, ये हमजा एजाज साहब फरमा रहे हैं मैं आपकी बात से पार्शली एग्री करता हूं कि आ, ये अल्टीमेटली फ्री विल का काम है इंसान ने खुद ये वाली पूरी एक्सरसाइज करनी है अपने आप को पहुंचाना है लेकिन वो जो अल्लाह ताला तक जाने का रास्ता है उस पर ऑलरेडी हमसे पहले लोग चल रहे होते हैं तो उनकी इज्जत और एहतराम लाजिम होता है आपके लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी गाइड का सहारा लें लेकिन कोई ले ले तो इसमें कोई कबाहत नहीं है बशरती है कि आपका जो गाइड है आपका शेख वो एक अच्छा शख्स हो एक यानी आ, आ, द, द, मसलिहत से पाक एक आपका उस्ताद हो और बताए जी कोई सवाल मेरे सामने अगर आए यहां पर अलामा इकबाल इन डेमोक्रेसी यहां पर वानी साहब पूछ रहे हैं इन इस पर हम आखिरी दो हमने लेक्चर्स सियासियात पे रखे हुए उस पर हम बात करेंगे आ, दोनों क्योंकि उसके ऊपर हमारे पास अलामा के दो कॉन्सेप्ट है ना एक तो जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है कि जिसमें बंदों को गिना करते हैं तोला नहीं करते और दूसरा जो है वो स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी जिसकी वो प्रोज में बात करते हैं कि स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी के लोगों की हुकूमत लोगों पर लेकिन एथिक्स के साथ कुछ प्रिंसिपल्स जो है वो पहले मजबूत किए जाएं कुछ एथिकल ट्रेनिंग की जाए उसके बाद जो है वो डेमोक्रेसी को लॉन्च किया जाए ये, ये डिटेल डिस्कशन है ये मैंने आपको थोड़ा सा सैनोक्सिस सा दे दिया लेकिन इनशाला इस पर हम आखिरी दो सेशन हमने बात ही हमने पॉलिटिक्स की करनी है उसमें क्वेश्चन इकबाल यूजेस डेजर्ट मेटाफर्स वाइडली लाइक मेमल एंड लाला सहराई कैन इट बी डिड्यूस्ड दैट द ईगो सेल्फ इज फोर्टिफाइड व्हेन इट इज इन कांस्टेंट फ्लक्स व्हाट इज द लिमिट ऑफ अ फुली डेवलप्ड सेल्फ वो क्या शेर उसका मुझे पहला मिसरा लामा का याद नहीं आ रहा uh, या बंदा सहराई या या बंदाए कोहستانی वो उसमें आई थिंक वो अफगान आ, आ, ए गाफिल अफगान अपनी खुद ही पहचान वाले में भी उस तरह का एक शेर है अब वो मुझे याद नहीं आ रहा लेकिन इसकी हम वैसे बात कर लेते हैं देखें आ, ये आप बिल्कुल दुरुस्त जिनका भी सवाल है बिकॉज मुझे नुमान यहां पर भेज रहे हैं ये ये वाली बात यहाँ पर बिल्कुल दुरुस्त है कि जो सहरा का आ, जो इस बार बार अमामा ने इस्तेमाल किया उसकी वजह ही ये है कि सहरा दो चीजों को एक साथ जो है वो आपके सामने पेश कर रहा है वो पेश कर रहे मुश्किल मुश्किल से भरे एक जमाने को कि जो दूर दूर तक आपको सिर्फ मुश्किल ही नजर आती है मंजिल नजर नहीं आती आपको उसमें एक से बढ़कर एक अगला मैदान नजर आता है जिसके अंदर आपने चलते जाना है मुनिर न्याजी का के एक और दरिया का सामना आता मुनीर मुझको जब एक दरिया के पार उतरा तो मैंने देखा वो यानी आपने वो मुश्किल में से गुजरते जाना है गुजरते जाना है गुजरते जाना है एक तो ये उसका पहली वजह यह है फिर लाल सहराई जैसे जो आपके इस्तारात हैं ये इस्लामिकली भी वैलिड है ठीक है कि जिसके अंदर आप बता रहे हैं कि आइसोलेशन के अंदर सॉलिट्यूड के अंदर जो प्रोडक्ट निकल के बाहर आती है वो फिर इतना खूबसूरत होता है कि फिर वो मुश्किल में जो भी उसको छोटे से खूबसूरत चीज को दूर से भी है ना वो उसकी तरफ खिंचा चला आता है आप समझ रहे कि मुश्किलात में भी आ, वो जो खूबसूरत चीज़ है वो अपनी जगह बना लेती है अपने मुताबिक जो है वो आ, अपने मुताबिक लोगों को ढालना शुरू कर देती है और तीसरी चीज़ ये कोहो बयाबा दोनों यानी जो चीज़ें हैं नेचर के साथ रहना ये इंसान को नेचर के करीब तो करता ही है लेकिन साथ साथ मुश्किल का आदि करता है ठीक है मतलब एक ने, नेचुरल जिंदगी के अंदर जहां आपने पानी का खुद बंदोबस्त करना है या रहने का खुद बंदोबस्त करना है या जितने भी मामला हैं वो खुद तय करने हैं इससे मुराद यह है कि आपने अपनी जिंदगी के वो तमाम मसाइल जो है वो तय करने हैं uh, बिल्कुल ठीक है कि तगैर का जो कानून है असल जो आपकी ईगो का यानी आपके सेल्फ आपकी खुदी की जो असल ताकत है वो है ही इसमें कि उसको एक से बढ़कर एक मंजिल फराहम की जा रही हो एक से बढ़कर एक उसके लिए मुश्किल पैदा की जा रही हो जिससे वो मुसलसल अपने आप को ऊपर से ऊपर करता जाए एक चैलेंज से सीख के उसको अगले चैलेंज में अप्लाई करता जाए वट इज द लिमिट ऑफ ए फुली डेवेलप सेल्फ टू बी ऑनेस्ट आई डू नॉट नो आंसर टू दैट क्वेश्चन बिकॉज़ एक तो इसका जो सादा जवाब है ना वो है वाकया मेराज मेराज जो है वो महराज वो क्या कहते हैं उस खूबसूरत संगम की हद है जहां तक इंसान पहुंच सकता है ठीक है कि आप अल्लाह के सामने हो सकते ठीक है कि आलमी आलम सबक मिला है मुझे ये महराज मेरा, मुस्तफ़ा से मुझे कि आलम बशरीत की बशरीत की जद में है गर्दू कि अल्लाह ताला भी आपकी जद में है आपके और हमारी जद में अल्लाह ताला है ये हमें समझ आ जाती है तो जिसको अल्लाह मिल गया वो कामयाब हो गया मेरे ख्याल से वही यही एक मकसद है वही एक गौहर है जो हमें चाहिए है उसी के पीछे उसी की हम सबको तलाश है जिसको मिल जाते हैं अल्लाह वो फिर अल्लाह वाले है जहाँ वो फिर खुश हो सकता है जहाँ तक खुद ही के इसमें ताल्लुक है उसमें वो तीनों फैक्टर्स जो मैंने बताए स्ट्रॉन्ग स्मार्ट एंड सेंसिटिव इन तीनों फैकल्टीज को डिवेलप करना जो है ये इन इट एक बहुत बड़ा काम होता है क्योंकि हम सारे जो हैं वो हम में से अक्सरियत लोगों की ऐसी होती है जो आ, सिंगल माइंडेड एक कोई सिर्फ ऐसे नहीं होते कि दुनिया में सिर्फ एक ही फन में अच्छे हों उसके अलावा <laughs> अलमदुल्ल उसके अलावा जो है वो कोई काम ना आता हो तो उसके लिए जरूरी है कि मुख्तलिफ चीजें हम सीखते जाए और अपने आप को उन चीजों में बेहतर करने की कोशिश करते रहें और भी हम एक दो को क्वेश्चंस ले सकते हैं अभी इंशाला तैयबा साहिबा पूछ रही हैं कि अपने अंदर किसी मकसद को पाने के लिए जुनून कैसे पैदा कर सकते हैं अपने अंदर आपने जुनून कैसे पैदा करना है, जिसके जरिए से आपने कोई मकसद अचीव करना है जो ये इश्क की आग लगनी है हमने ये पहले सेशन में थोड़ा सा डिस्कस किया था आज इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि ये रिकरिंग टॉपिक है कि हमें बैठकर एक अपने आप से गुफ्तगु करने के लिए अपनी डिवाइसेस से दूर अपने आईपैड से आईफोन से अपनी टैबलेट से टीवी से नेटफ्लिक्स से सॉरी इन तमाम चीजों से दूर होकर एक खाली कमरे में या खाली जगह में एक कागज कलम लेकर अपने साथ बैठना किसी और के साथ नहीं अपने साथ बैठना अब जब हम वो अपने साथ बैठेंगे तो हम अपने से मुकालमा करना शुरू करेंगे अपने आप से ये जानना शुरू करेंगे कि हमारे अंदर क्या चीज अच्छी है हम हाँ? लिस्टिंग करेंगे हम लिस्टिंग करेंगे अपने अंदर उन क्वालिटीज की जो हमें लगता है कि बचपन से लेकर अभी तक हम उन कामों में अच्छे हैं या वो हम काम अच्छे से सर अंजाम दे सकते हैं उनकी हम पूरी लिस्टिंग करेंगे फिर हम उसमें से निकाल देंगे कि क्या चीज मैं सिर्फ पैसे कमाने के लिए करता हूं या पैसे कमाने के लिए करती हूं हम पढ़ाते हैं या वकील हैं या डॉक्टर हैं कोई अग... मतलब सिर्फ अगर कमाने का कोई एलिमेंट है तो उसका निकाल दो इस चीज को सामने रख लीजिए कि क्या चीज है जो मुझे करने का सबसे ज्यादा मजा आता है क्या चीज सबसे ज्यादा करने का शौक है अब आपके पास लिस्ट शॉर्टन होती जाएगी और बहुत कम चीजें बच जाएंगी फिर आपने उनको किसी बड़े के साथ बैठकर या फिर खुद से उन चीजों का संगम ढूंढना है उन चीजों का रिकनसिलियेशन ढूंढनी है उन चीजों की आपने ऐसी जगह ढूंढनी है कि अगर वो तीन या चार क्वालिटीज हैं तो कौन सा ऐसा प्रोफेशन या कौन सा जिंदगी का ऐसा मकसद है कि आप पूरा करेंगे तो उसके जरिए से आप वो तीनों अपने अंदर क्वालिटीज जो है वो पूरी कर पाएंगे ये पर्सनल एक्सरसाइज है लाइक like, इसके अंदर हम रिकमेंडेशन दे सकते हैं आप किसी बड़े के साथ बैठकर इसको ट्राई कर सकते हैं उनसे पूछ सकते हैं मदद ले सकते हैं लेकिन इंडिविजुअल एक्सरसाइज है थोड़ी सी लीजिए उसके बाद खुद अपने आप को बेहतर करते जाइए इसी यही है वो सेल्फ असेसमेंट इसी तरह इंसान अपने आप को जानता है इसी से अपने आप को जाना जाएगा और ये जब आपको वो मिल जाएगा ना अपने अंदर का वो मोती फिर आपके अंदर जो आग लगेगी कि भाई मैंने भागना है मैंने पीछे मुड़कर नहीं देखना मैंने तो जब तक अल्लाह ताला तक पहुंच नहीं जाते तब तक रुकना नहीं है तब आप आगे जाते जाएंगे अच्छा जी और अभी मुझे नजर नहीं आ रहे हैं कॉमेंट्स आई थिंक वी कैन स्टिल टेक वन मोर बिफोर वी फिनिश अच्छा जी आयशा शाहिद का सवाल है हाउ कैन वी स्मार्टनेस सेंसिटिविटी एंड स्ट्रेंथ एट द सेम टाइम एंड आई थिंक दिस इज द लास्ट क्वेश्चन वी आर गोइंग टू टेक कैन ओनली अ सेंसिटिव पर्सन आइडेंटिफाई नेचर चले आई थिंक दोनों का हम लोग आ, साथ में जवाब दे देते हैं देखिए ये तीनों हमारी अलग अलग फैकल्टीज है ना स्ट्रोंग स्मार्ट एंड सेंसिटिव की माइंड बॉडी एंड सोल तो हमें जो कि हमारे एजुकेशन सिस्टम का भी जो मामला है कि जो हमें करने की कोशिश करनी है और ये अब आ, अब एक थोड़ी सी मैं डेंजरस बात भी कर दूं तो इसके अंदर भी कि चूंकि हमारे पास अब वक्त है जिसमें इस वक्त जो है वो लोग अपने घरों में हैं स्कूल बंद हैं कॉलेज बंद हैं यूनिवर्सिटीज बंद हैं तो हमारे पास ये वक्त है कि हम कोई नया निज़ाम सोच सकें अहले नजर अहले दानिश मिल के आए सामने और नए निजाम के बारे में सोचा जा सके जिनमें ये तीनों फैकल्टीज माइंड बॉडी एंड सोल बच्चों की और बड़ों की यानी हायर uh, एजुकेशन में भी और नीचे की एजुकेशन में भी ये तीनों के ऊपर जोर दिया जा सके कैसे होगा होगा ऐसे कि आपने लाइक like, स्मार्ट होने के लिए आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है माइंड को ट्रेन करने के लिए आपको आपका जिस भी uh, मौजू पर आपका दिमाग सबसे ज्यादा स्टिम्यूलेट होता है आप उस मौजू के बारे में पढ़ें ठीक है एक चुन लें आपने आपको दुनिया के सारे मौजुआत जानना जरूरी नहीं है अपने मुतलिक एक चुन लीजिए जियोग्राफी हो सकता है हिस्ट्री हो सकता है पॉलिटिक्स है आर्किटेक्चर लाइक यू नेम इट जिसका जो सब्जेक्ट है एक कोई चुन ले लॉ है लॉ में भी आगे स्पेसिफिकेशन है कोई शख्स एक चुन के वो कहे कि इस एक सब्जेक्ट के अंदर दुनिया में जो लेटेस्ट तरीन बात है और जो हिस्टोरिकली इसके ऊपर डेवलपमेंट की जितनी बात है वो मुझे पता होनी चाहिए तो उसके ऊपर काम करना शुरू कर दें आप ऑटोमेटिकली जो है वो स्मार्ट होते चले जाएंगे क्योंकि आपको अपनी चीज के ऊपर ज़्यादा से ज्यादा चला जाएगा रमजान आ रहा है तो दरमियान में हर हाल में जो है वो कोई घंटा आधा ऐसा निकालें जिसमें हम सिर्फ या भाग सकें या चल सकें या कोई एक्सरसाइज कर सकें या अपने आप को किसी भी किस्म की फिजिकल एक्सर्शन अगर जिम्स वगैरह बंद है बाहर नहीं जाया जा सकता तो घर में कोई फाइव मिनट सेवन मिनट एक्सरसाइज की जा सके पुशअप्स जा सके इन्हीं एक्सरसाइज जो जिसके लिए जैसे भी की जा सके मकसद क्या है कि हमने अपने जिस्, जिस्मों को फिजिकल एक्सर्शन का आदि बनाना है बिकॉज आपका जितना ज्यादा फिट जिस्म होता जाएगा जितना ज्यादा फिजिकल एक्सर्शन उसमें बेहतर का आदि होता जाएगा उतना आपका माइंड स्ट्रांग होता जाएगा उतना ज्यादा आपके न्यूरोन्स के लिए स्टिमुलेट uh, uh, होना उनके लिए काम करना जो है वो आसान होता जाएगा उतना ज्यादा आपका इम्यून सिस्टम बेहतर हो जाए नहीं मतलब वही बाकी सारे जो एक्सरसाइज के फवाद होते हैं ऑब्वियसली है। और दिल को हमने कैसे मजबूत करना है यानी सेंसिटिविटी को हमने कैसे बढ़ाना है वो हमने अपने आप को सॉलीट्यूड का थोड़ा वक्त दे बनाना है कि हम अपने आप को कुछ वक्त अकेलेपन का दें जिसमें हम दुनिया माफिया से कट जाए अब वो चाहे पांच मिनट हो, चाहे पचास मिनट हो, चाहे बीस मिनट हो, बीस मिनट से ज्यादा का वक्त जो है वो बहुत ज्यादा मतलब इससे ज्यादा वक्त नहीं दरकार है बीस मिनट जिसके अंदर आप सिर्फ बैठ कर ठीक है अल्लाह के किसी नाम का विद करें या आप किसी नाम से अल्लाह को याद करें या आप दरूद पड़े या आप सिर्फ अपनी सांसों को जो है वो ऑब्जर्व करके आप जो है वो ट्रांसडेंटल मेडिटेशन जो होती है वो करें या योगा करें जो भी चीज लेकिन वो अब मैं वो आप जिक्र की इस्लाम के हवाले से जिक्र की क्यों बात कर रहा हूं क्योंकि देखिए ये योगा मेडिटेशन तमाम चीजें हमारे पास बुद्ध मत में हिंदुजम में बाकी तमाम उसमें आ चुकी हुई है ना और यहां पर अमामा कह रहे हैं अपने आप को उस फक्र से जोड़ो जिसकी ओरिजिनलिटी जो है ना वो हिजाज से निकल रही है तो मेरे नजदीक मेडिटेशन वो होनी चाहिए या हमारे नजदीक उस, उसकी वैल्यू है जो हजूर पाकलम ने फरमाई है ठीक है हुजूर ने जिस तरह से जो काम किया है हमारे लिए तो वही दीन है वही वो, वो रास्ता है जिसके ऊपर हमें जो है वो बेहतरी के आसार नजर आते हैं तो लिहाजा उस तरह की कोई भी प्रैक्टिस अपने साथ शामिल कर लीजिए अब आप जब करेंगे उसमें अपनी यानी थॉट्स को ऑब्जर्व करना शुरू करें 20 मिनट तक आंखें बंद करके एक अंधेरी जगह पर बैठ करना नाम जहां आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला ना हो या पांच मिनट या सात मिनट जैसे भी और वो अल्लाह का नाम लीजिए आप चाहे ला इलाहा इल्लल्लाह कहिए और इसके लिए मुख्तलिफ़ाहिर बात है सूफ़ी सूफी सिलसिले जो हैं वो इसमें ज़्यादा बेहतर गाइड करते हैं जिनका काम ही असल में ये है आप किसी सूफी सिलसिले से ज्वाइन कर सकते हैं और ये भी इंशाल्लाह हम अगली दफ़ा अगले से अगली दफ़ा इस पर बात करेंगे किस तरह सूफी सिलसिला और शरय सिलसिले यानी तरी शरीय के और तरीक़त के ये पहले एक साथ चलते थे हमने पता नहीं क्यों उनकी डिवीज़न करके दोनों को एक मुश्किल चीज़ बना दी है ये तीन आई थिंक बेसिक स्टेप्स हैं जो थोड़े से मैंने लेआउट किए हैं इन शाह इन पर अगर काम शुरू करें तो बाकी भी जिंदगी की आ, हम एक बेहतर तरफ जो है वो जा सकते हैं अल्लाह सब को हिम्मत ताकत और मोहब्बत वाला इंसान बनाए आप सबका बहुत शुक्रिया वालेकुम चलिए